कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तु विकर्मणि। ठहरो, आप यहां क्या कर रहे हैं? भैया मैं आज मिलने आया था, पता चला आप यहां आने वाले थे, मैं आ गया। वापस क्यों जा रहे थे? वापस नहीं, हाँ वो तो वैसे ही भैया, वैसे ही सर। सुवर कहीं का। नमस्ते भैया। नमस्ते, माँ जी घर में है? हेलो रेनू। माँ जी। हाँ जय किशन, आओ बेटे। नमस्ते माँ जी। नमस्ते, कैसे हो? अरे अरे अरे, जीते रहो जीते रहो। मुँह खोलिए। माँ पहले मुँह खोलिए फिर बताता हूँ। अच्छा, अब बताओ। माँ जी, आज अपना मुनीश आ रहा है। मेरा मुनीश आ रहा है? हाँ माँ। जय बेटा, इतना तो कोई अपने सगे भाई के लिए भी नहीं करता जो तुमने मेरे मुनीश के लिए किया। माँ, उसे विलायत भेजा, पढ़ाई का सारा खर्च अपने पास से दिया, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकती। एहसान काय का माँ जी, मुनीश मेरा यार है, मेरे सगे भाई से ज्यादा है। अब आप जल्दी कीजिए, हम सब बम्बई जा रहे हैं। लीजिए मिस्टर मुनीश, जिस हिंदुस्तान के लिए आप बेचैन थे वो हिंदुस्तान तो आ गया। मैं वाकई बहुत खुशनसीब हूँ जिस देश में पैदा हुआ, जिसके दिन भी हसीन हैं और रातें भी। मिस्टर मुनीश, मेरे ख्याल में आप इंजीनियर की जगह शायर होते तो ज्यादा अच्छा था। मुझे तो जो बनना था मैं बन गया, आपका क्या इरादा है? मैं कल के बारे में कभी भी नहीं सोचती, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या, जिंदगी सिर्फ एक इत्तेफाक का नाम है। आपकी फिलॉसफी है बहुत इंटरेस्टिंग। फिलॉसफी नहीं, ये मेरा तजुर्बा है। कॉलेज में पढ़ती थी, एक दिन एक पार्टी में इत्तेफाकन एक साहब से मुलाकात हो गई और मैं एयर होस्टेस बन गई। उसके बाद एक फिल्म प्रोड्यूसर मिल गए और मैं एयर होस्टेस से फिल्म हीरोइन बन गई। किस फिल्म में काम किया आपने? हाँ जी हुजूर, इससे पहले कि फिल्म शुरू हो कंपनी ही बंद हो गई। उसके बाद एक साहब मिल गए जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, मुझे अपनी सेक्रेटरी बनाकर यूरोप ले गए। वहां पर अचानक अल्लाह को प्यारे हो गए, मालूम हुआ एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो बकवास थी, वो एक बहुत बड़े स्मगलर थे। पुलिस ने फौरन हिंदुस्तान को रवाना कर दिया, चुनाचे वापस आ रही हूँ। मुझे यकीन है अब ऐसा इत्तेफाक नहीं होगा, आइंदा आपको शरीफ आदमी मिलेंगे। मुझे शरीफ आदमी पसंद नहीं। क्यों? बड़े पिलपिले होते हैं। अबे उल्लू के पट्टे, शायद आपकी तारीफ। अबे मुनीश के बच्चे, वहाँ क्या करा है? नीचे आ। देखो वहाँ कितना अच्छा लग रहा है। मुनीश मुनीश कैसे हो जाए? मैं ठीक। मुनीश माँ जीते रहो बेटा, जीते रहो। कैसे हो तुम दोनों? ठीक हूँ भैया, आपको ठीक कैसे रहा? इट वॉज वंडरफुल। थैंक यू। यू आर वेलकम। जय, ये मिस रीटा मेरे साथ आई है। सिर्फ साथ आई है कमी। और ये मेरा दोस्त जय किशन, मेरा अजीज दोस्त भाई, सब कुछ यही है।
बहुत बड़ा आदमी है, बस यूं समझो आज जो कुछ मैं हूं इसी की बदौलत हूं। चुप बे सुअर। अरे ये बैन क्यों बंद हो गया? एक्सक्यूज मी, क्या सोच रही है? मुझे आपका दोस्त बड़ा पसंद आया। क्यों, शरीफ नहीं? पिलपिला नहीं है। रुक क्यों गए, जोर से बजाओ। चाहे इतने बड़े हंगामे क्या जरूरत थी? अरे हमारा यार आया और किसी को मालूम ना हो। और जोर से बजाओ, जोर से बजाओ। Mr. Jones, Mr. Shankar, and my good friend, Mr. Gupta. Yeah.
अबे पेटू बात हो गया, जल्दी कर, दफ्तर का मुहूर्त है। मां से 27 पूरी खा गया, मुझे पेटू बोलता है। अच्छा मुंह तो मीठा कर लो। ले बेटे मां, पारी पारी। हां ये तो हलवे से भी मीठी। ओ मामा, एक नहीं दो। देखा ये रहा तुम्हारा दफ्तर, आज से तुम काम करोगे और मैं आराम करूंगा, समझे? कुर्सी पर बैठ जाओ। बैठो। देखो कितने अच्छे दिखाई देते हो, एकदम अफसर। और कोई हुक्म बस? जय जय, ऐसे रस्मी बात नहीं समझना। तुमने जो कुछ मेरे लिए किया है, मैं जान देकर भी उसका बदला नहीं चुका सकूंगा। मनीष तुम मेरे दोस्त हो, दोस्ती में एहसान और बदला नहीं हुआ करता। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि तुम वापस आ गए और मेरा दायां हाथ बन के काम करोगे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग रीटा। हाय मनीष। तुम यहाँ भी? जिंदगी इत्तेफाक है, मैंने तो पहले ही कह दिया था। लेकिन रीटा तुम्हारी बात आधी झूठ निकली। वो कैसे? तुमने कहा था ना शरीफ आदमी तुम्हें पसंद नहीं, तो जेके तो बहुत शरीफ आदमी है। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। रीटा चाय या कॉफी? लस्सी। बाशरी रे। मीना देवी जिंदाबाद, मीना देवी जिंदाबाद, मीना देवी जिंदाबाद, मीना देवी जिंदाबाद, मीना देवी जिंदाबाद। मैं नहीं, आप सब जिंदाबाद। मैं जो काम करती हूँ उस काम के मुकाबले में कुछ भी नहीं जो आप सब करते हैं। आपका बड़ापन है जो आप ऐसा कहती हैं, वरना हम गरीब मजदूरों की बस्ती में कौन बड़ा आदमी आता है? और कोई आता भी है, नाक पर कपड़ा रखे गुजर जाता है। आप हमारे बच्चों को पढ़ाती हैं, हमारी बीमार औरतों की देखभाल करती हैं। आप तो वो काम करती हैं जो इस देश के बड़े बड़े नेता और लीडर नहीं करते। ये तो आप लोगों का प्यार है जो आप ऐसा समझते हैं। ये बन जो आप सब मिलकर बना रहे हैं, ये हमारे आजकल के मंदिर है, यही हमारी पूजा है। मैं इस पूजा में आपके साथ शामिल होना चाहती हूँ। ये धरती हम सब की माँ है, हम सब मिलकर उसकी सेवा कर रहे हैं। क्या देख रहे हो? जय, देश की मिट्टी की सुगंध ले रहा हूं। ये मिट्टी प्यासी है, जिस दिन इसकी प्यास बुझ जाएगी ये मिट्टी सोना बन जाएगी और बाहर के देशों से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय, तुम इस मिट्टी की प्यास बुझा रहे हो, मुझे तुम पर नाज है। सचमुच तुम धर्म का काम कर रहे हो। मैं नहीं मनीष, हम। जय मनीष। इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, उठेगा तूफान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। बहता चलेगा मीलों नहरों का पानी, झूमेगी खेती जैसे झूमे जवानी, चमकेगा देश हमारा मेरे साथी रे, आंखों में कल का नजारा मेरे साथी रे। नवयुग का वरदान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। मुल्कों मुल्क
को झोली पसारे, अब से जिएंगे हम भी अपने सहारे। चमकेगा देश हमारा मेरे साथी, खलियान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। बनके अपना पसीना, दुनिया की कौमें हमसे सीखेंगी जीना। चमकेगा देश हमारा मेरे साथी, आंखों में कल का नजारा मेरे साथी। कल का हिंदुस्तान जमाना जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। मिर्जा साहब, खास सेब तो बड़ा मीठा है, लेकिन लाए कम, हमें बड़ा टोकरा लेकर आना था। हमें क्या दीवारा निकलवाओगे मेरा? शुरू में अक्सर याद खराब कर दी तो आगे संभालना मुश्किल होगा। मिर्जा साहब, आपको अभी तक अकल नहीं आई, हमारा रंग शुरू में जमाया जाता, बाद में तो छोटा बड़ा कम ज्यादा सभी चलता। इंजीनियर साहब आदाबस, मेरा भाई कुल्लू में, वहाँ उसके सेब के बाग हैं, बहुत मीठे सेब होते हैं, ये कुछ आपके लिए मंगवाए हैं। आप कौन? ठेकेदार हैं, इनके ट्रक चलते हैं, यहीं पंप पे काम करते हैं, आपके मातहत हैं। खादिम को अफजल मिर्जा कहते हैं। लेकिन मैंने तो आपसे सेब लाने के लिए नहीं कहा था। जी आपने नहीं कहा था, लेकिन मेरा तो फर्ज है कि आपकी खिदमत करूं। आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? रिश्वत कहाँ से हो गई, ये तो आपकी तरफ चलता ही है, डाली कहते हैं। आप खामोश रहिए, ऐसे मिर्जा मुझे इस तरह के सेब खाने का शौक नहीं। आप फौरन इन्हें यहाँ से ले जाइए, और सुनिए आइंदा कभी ऐसी जरूरत मत करना। चलो खाऊंगा आपका टोकरा, चलो खींच दो। गुलाम रसूल इधर लाओ। अच्छे खाइए। अरे वाह, अच्छा क्या आपने फेंक दिया, मैं भी फेंकने वाला था। ठीक है मिस्टर राणा, मैं समझ गया, लेकिन काम की प्रोग्रेस क्या है? डैम की दीवार 50 फुट ऊंची बन चुकी है और सुरंग में हम 1 मील अंदर जा चुके हैं। वो देखिए, काम काम निकाल पैसे। कहे के पैसे? लो साला पीकर आ जाता और पैसे मांगता। ये शोर कैसा? बदुआ होगा साहब, कभी कभी पी के आ जाता है और लोगों से पैसा भी मांगता है। बंद करो लड़ाई बाबू की जमा तो अच्छा सा लड़ाई। मैं कहता हूँ लड़ाई बंद करो बाबू, मेरे मुंह मत लगो, ये कपड़े नरे हो जाएंगे। राणा। यस सर। इस आदमी का हिसाब चुका दो, कल से काम पर नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छा, चलो चलो उठाओ, चलो बाहर जाओ, गेट आउट, चलो तुम लोग चलो, सबको बाहर, सब कोई बाहर, चलो बाहर बाहर, तुम भी बाहर जाओ, चलो 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 सबको बाहर, चलो यहाँ बात करो, चलो
तुम्हारे साहब हैं अंदर? आप आए कहां से? आप ही हैं यहाँ के नए इंचार्ज? जी हाँ, कहिए। आप लोगों के दिमाग में हर वक्त अफसरी क्यों घुसी रहती है? जो इस कुर्सी पर बैठता है अपने आप को बादशाह क्यों समझने लगता है? कौन है आप? किसे काम है आपको? आपसे। आप ही ने बलवा को निकाला है। जी हाँ, आपकी तारीफ? मेरी तारीफ की कोई जरूरत नहीं। मैं पूछती हूँ, इतनी बड़ी बड़ी नौकरियाँ देने से पहले आप लोगों से कोई ये नहीं पूछता कि इंसानों के बारे में क्या जानते हो तुम? लेक्चर की जरूरत नहीं, आप काम बताइए। यही तो मैं कहती हूँ, मजदूरों का दुख दर्द समझने की कोशिश नहीं करते आप लोग। बेकार हो जाने के बाद बलवा क्या करेगा? अपनी बीवी बच्चों के साथ मारपीट करेगा, दारू पिएगा, पास पड़ोस के लोगों को तंग करेगा और दिन भर गुंडागर्दी करेगा। तो मैं क्या करूं? आपकी यही पॉलिसी रही तो एक दिन सारे मजदूर हड़ताल करेंगे, लाठी चार्ज होगा, गोलियां चलेंगी, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तरक्की देकर आगे भेज दिया जाएगा, मरेंगे तो बेचारे मजदूर। अफसोस है इस मुल्क पर जहाँ आप जैसे अफसर पैदा होते। कौन थी ये लड़की? जो भी है खा मगर है खूब। क्या डांट बताई, बिजली की तरह आई कड़की और गायब। गुलाम रसूल, अपना काम करता हूँ। हाँ चलो गुलाम रसूल, अब काम तुम्हारा ही है। लड्डू ताजे खा? अभी बना के रखे हैं। जरा चखाना। क्यों खा, दूध के साथ खाऊं या पानी के साथ? समझा। बात है खा, लड्डू में एक दो किलो दे देना। गोवर्धन भाई, भाई के लिए दो किलो लड्डू बांध दो। अरे वाह, क्या मावा है। ठहरो ठहरो ठहरो, ऐसा करो लड्डू कैंसिल कर दो और लड्डू के बदले दो किलो बर्फी दे दो। ये बहुत अच्छी है। अरे ठहरना ठहरना ठहरना, पेड़े तो एकदम ताजा आ गए। आपको थोड़ी तकलीफ तो होगी, बर्फी कैंसिल करके बर्फी के बदले दो किलो पेड़े। आखिर क्या तमाशा है? तमाशा कुछ नहीं, खाली बर्फी के बदले पेड़े। थैंक यू। हाँ अरे वाह, क्या प्योर घी की खुशबू है, काय की जलेबी की है। अरे वाह, ठहरिए 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 ठहरिए, पेड़े कैंसिल कर दीजिए और पेड़े के बदले दो किलो गरम गरम जलेबी। क्या गरम है। आ जल्दी जल्दी जल्दी। आ, आ, आ बहुत गरम है। साहब आपके जलेबी। ए भाई, जलेबी के पैसे दे के जाओ। पैसे? मगर जलेबी तो पेड़े के बदले लिए। तो पेड़े के पैसे दे के जाओ। अरे वाह कमाल कर चोखा, पेड़े तो बर्फी के बदले लिए। तो बर्फी के पैसे निकालो। ओ बर्फी के पैसे निकालो, बर्फी तो लड्डू के बदले लिए खा। तो लाओ लड्डू के पैसे। अरे वाह बहुत अच्छे, जो चीज ली ली उसके पैसे कैसे? लड्डू नहीं लिए। जी नहीं, पूछ लो। क्यों गोवर्धन भाई, लड्डू नहीं दिए? नहीं दादाजी, जलेबी के बदले बर्फी, बर्फी के बदले पेड़े, पेड़े के बदले लड्डू, लड्डू तो लिए ही नहीं, लेकिन ये तो कुछ गया है। ए भाई, बना गया उल्लू। अच्छे बच्चों छुट्टी। बंदगी मेम साहब। क्यों आए हो तुम? साहब ने मिठाई भेजी है। क्यों भेजी है? गुस्सा मत कीजिए, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जब आप वहाँ से चली गई तो साहब ने मुझे बुलाया। गुलाम रसूल, ये लड़की कौन थी? मैं भी अकड़ गया। मैंने कहा मियाँ, जो भी थी आपसे मिलने के लिए आई थी, आपको तमीज से बात करना चाहिए, और लड़कियों का वैसे भी ख्याल रखा जाता है। कहने लगे गलती हो गई। मैंने कहा जरूर हो गई, आप फौरन जाइए और माफी मांगिए। मेरी बात जरा कमी टालते हैं। कहने लगे गुलाम रसूल,
मैं वहां जाऊं और वो अभी तक गुस्से में हो तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा करो तुम चले जाओ, ये मिठाई ले जाओ, मेरी तरफ से दे देना और माफी मांग लेना। चुनाची हाजिर हो गया। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ और ये मिठाई भी साथ ले जाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं। गुस्सा की माफी जी, मिठाई तो आपको लेनी पड़ेगी। अच्छा रख जाओ। आप हंस के कह दीजिए कि आपने माफ कर दिया। अच्छा कर दिया। एक जलेबी खा लेगी ना तो मैं समझूंगा कि वाकई आपने माफ कर दिया। लीजिए। बीबी जी खफा ना हो तो थोड़ी सी गलती आपकी भी है। अफसर को दफ्तर में नहीं डांटना चाहिए, नौकर जाकर इज्जत करना छोड़ देते हैं। आइंदा आपको जो कुछ भी कहना हो अकेले में ले जाके कहिए। ठीक है। अपने साहब के बारे में एक बात आपको और बता दूं। क्या? वो जितने देखने में खूबसूरत हैं उतने ही दिल के अच्छे भी हैं। बीबी जी आपके बगीचे के फूल बहुत खूबसूरत हैं, थोड़े से ले जाऊं? अच्छी बात। आ गया भैया, आ गया। तो बगैर पैसे कहाँ चले जाते हो? अब क्या बताऊँ खा, आप तो पहले से ही खफा है, इन फूलों के चक्कर में गया था। फूल कहाँ से लाए? लाया नहीं, भिजवाए हैं। मैं काम से जा रहा था, रास्ते में मिल गई, पकड़ कर साथ ले गई और ये फूल देकर कहने लगी, अपने साहब से कहना जो कुछ हुआ उसका हमें बहुत अफसोस है। ओफो, बात का अव्वल ना आखिर किसने भिजवाए हैं फूल, किस बात का अफसोस? ओफो मियां, आप तो विलायत जाकर दो कोड़ी के हो गए, चूना ईंट पत्थर याद रहता है। फूल खुशबू उसमें मोहब्बत को तो पास फटकने नहीं देते। मीना बीबी ने भिजवाए हैं। मीना बीबी? जी हाँ वही, जो सुबह बिजली की तरह आई, कड़की और चली गई। देखो तुम फजूल की बातें बहुत करते, जाओ जाकर गाड़ी निकालो। फजूल की बात? वो तो खैर निकालूंगा ही, मगर सुनिए तो सही, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना चाहिए, कम से कम एक फूल तो लेते जाइए। दफ्तर के वाक्य को तो मैं भूल ही गया था, माफी मांगने की क्या जरूरत है? माफी? माफी किसने मांगी? फूल किसने भिजवाया आपको? आपने गुलाम रसूल लेकर आया था। मर गया गुलाम रसूल? गुलाम रसूल बिल्कुल झूठा है, मैंने कोई फूल नहीं भिजवाए थे। हाँ आपने मिठाई जरूर भिजवाई थी और माफी भी मांगी थी। क्या कह रही आप? देखिए ना, मैंने मिठाई भिजवाई और ना माफी मांगी। कैसे नहीं भिजवाई थी? गुलाम रसूल लेके आया था। झूठ बोलता है गुलाम रसूल। गुलाम रसूल, भागो गुलाम रसूल, मैं जा रहा हूँ चाबी गली में, घर आ जाना। ये गुलाम रसूल हम दोनों से ज्यादा समझदार है। देखिए लड़ाई या तो दोस्तों में होती है या दुश्मनों में। हम ना दोस्त ना दुश्मन, माफी नहीं मांगी तो अब मांग लेता। जो कुछ हुआ उसका मुझे भी बहुत अफसोस है। अच्छा ये बलवा आपका कौन होता है? बलवा कोई नहीं। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आप इस बस्ती में क्या करती हैं? मैं सोशल वर्कर हूँ, मजदूरों की बस्ती में काम करती हूँ और खाली वक्त में उनके बच्चों को भी पढ़ाती। वेरी गुड। मजदूरों को भी हमदर्दी की जरूरत है, इन लोगों की आमदनी कम है और खर्च ज्यादा, बच्चे ज्यादा हैं और खुशियाँ कम, सिवा परेशानियों के और तकलीफों के इनकी जिंदगी में और कुछ भी नहीं। लेकिन कोई इनसे हमदर्दी क्यों करे, किसी को क्या पड़ी है? जेके साहब मुबारक मुबारक। जेके साहब काम बन गया, मुझे आगे जेके का। क्या बात है सबरवाल? जेके साहब निर्मल दरिया के पुल का फौरन फाइनल पेमेंट हो गया है। हाँ, ये देखिए ये रहा 10 लाख रुपए का चेक। चेक तो समझे, ये बताओ कि माल कितना बना? तो बादशाह माल ही माल है, सीमेंट कंक्रीट पाइप्स गटर, बाजार में बेचने जाऊं तो 50 लाख रुपए मिलेगा। अभी रहने दो, ये माल सुंदरबन भिजवा दो, वक्त आने पर करोड़ रुपया बन सकता है। ये हुई ना बात। सुनो मुनीश साहब कहाँ है? टाइम पे है सर। नमस्ते साहब जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुला, कल से काम पर आना शुरू कर दो। जी आपने मुझे माफ कर दिया, आप कितने अच्छे आदमी हैं साहब जी। शराब बिल्कुल नहीं पीना, किसी से झगड़ा नहीं करना। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत मेहरबानी। अच्छा, बहुत मेहरबानी। अरे नरे
रसूल, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे खास, अंदर तो पहुंचो। खास बात है, आप पहुंचो तो सही। माफी चाहती हूँ, आपकी इजाजत बगैर अंदर आ गई। आपको इजाजत की जरूरत नहीं। स्कूल में क्या छुट्टी कर दिया आपने? एक जरूरी काम था, सोचा पहले वो कर लूं। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। ये किस लिए? बलवा को आपने फिर से काम पे रख लिया है, उसके बच्चों ने आपके लिए भेजा है। शुक्रिया, ये बाकी की मिठाई मेरी तरफ से बलवा के बच्चों को दे दीजिए। लेकिन थोड़ी तो और लीजिए। मैं मिठाई ज्यादा नहीं खाता। डरते क्यों हैं? ये रिश्वत नहीं है। रिश्वत? ये रिश्वत की बात यहाँ कहाँ से आ गई? अभी अभी गुलाम रसूल बता रहा था कि आप बिल्कुल रिश्वत नहीं लेते। किसी ठेकेदार ने आपको फल भेजे थे, आपने वापस कर दिए। गुलाम रसूल को आप नहीं जानते, छोटी छोटी बातों को नमक मिर्च लगाकर बताता है। फल वापस करना कोई खास बात तो नहीं। आम बात ही सही, आजकल लोगों में ये आम बातें भी कहाँ होती है। ओफो, अभी तक फालतू बकवास चालू है, सही लाइन पे आ ही नहीं रहे भाई लोग। मीना जी, आपसे हमेशा मुलाकात दफ्तर में ही होती है। स्कूल के काम से वक्त ही नहीं मिलता। हेलो, अपना पट्टा लाइन पे आ रहा था, ये बीच में कौन कमबख्त टपक पड़ा। मुनीश, वो डिजाइन तैयार हुआ कि नहीं? हाँ तैयार है, मैं भी लेकर आता। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अच्छा, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए। थैंक यू। सलाम। बीबी जी। हाँ? बीबी जी कहो। गुलाम रसूल जी, वो साहब ने कहा है कि मैं शाम को झील पे घूमने जाता हूँ 6 बजे करीब, आ सके तो आप भी आ जाइए। देखूंगी। देखूंगी नहीं, उन्होंने जवाब मांगा है। अच्छा, आ जाऊंगी। हाँ, अच्छी बात है, वेरी गुड। साहब, साहब। क्या बात? तो बीबी जी ने कहा है कि मैं झील की तरफ शाम को घूमने जाती हूँ 6 बजे करीब, आ सके तो आप भी आ जाइए। कौन बीबी जी? क्या हो गया आपको? मीना बीबी अभी अभी जो गई हैं। देखूंगा मैं। देखूंगा नहीं, उन्होंने जवाब मांगा है, बाहर खड़ी हैं। अच्छा, आ जाऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो। हेलो। ये झील बहुत ही खूबसूरत है ना? जी हाँ, बहुत खूबसूरत है। आप तो यहाँ रोज ही आती है ना? मैं नहीं, तो मैं तो पहली बार आई हूँ। आप यहाँ रोज आते हैं ना? जी नहीं, मैं भी पहली दफा आया हूँ। लेकिन आपने तो कहलवाया था कि आप रोज शाम को 6 बजे यहाँ टहलने आते हैं। जी शायद आप भूल रही हैं, आपने कहलवाया था कि आप यहाँ रोज शाम को 6 बजे आती हैं। मैं नहीं। हाँ, गुलाम रसूल कह रहा था। जरा पूछिए गुलाम रसूल से। गुलाम रसूल, भागो गुलाम रसूल, मैं जा रहा हूँ चाबी गली में धरा देना। ये गुलाम रसूल भी अजीब तमाशे की चीज है, इस बात पर तुला हुआ है कि हम लोग बार बार मिले। इसमें बुराई भी क्या है? कुछ नहीं। को सहारा चाहिए, कोई हमारा चाहिए। नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए, कोई हमारा चाहिए। दिल में है यूं तेरा बसेरा,
शोक फैला चाहत की बाहों का घेरा हो नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने की नारा बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए कोई हमारा चाहिए ला 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 नाते ने इनको बांधा वो नाता है तेरा मेरा ओ नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने की नारा बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए कोई हमारा चाहिए के मुताबिक नेशनल हाईवे का टेंडर भरवा दिया था इस सिलसिले में आपसे मिलना चाहता हूं मालूम नहीं आप दिल्ली में हैं कि शिमले में मालूम हो जाए तो खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा मुंह क्या देख रही हो लिखा नहीं तुमने बोलते हो तो कितनी खूबसूरत दिखाई देते हो जेके एंड कंपनी जस्ट होल्ड ऑन प्लीज सबरवाल का फोन है कहो सबरवाल हुजूर वो हमारे 5000 टन लोहे का क्या हुआ वो स्पेशल स्टील मार्केट में बड़ी मांग है उसकी मांग तो समझ गया मेरे पास लोहे की कान तो नहीं जो तुम्हें निकाल कर दे दूं हर चीज को इतना आसान मत समझ लिया करो ओहो ऐसी बात क्यों करते हो जेके साहब आपके तो एक इशारे पर काम होता है और फिर ये भी तो आपकी कंपनी है ऐसी तो मेरी बहुत सी कंपनियां हैं किस किस का ख्याल रखूंगा हुजूर हमारा ख्याल तो आपको रखना ही पड़ेगा और किसी का रखिए ना रखिए तो कहिए कब तक उम्मीद रखूं दिल्ली फोन किया है देखता हूं क्या जवाब आता है यस मैम जेके एंड कंपनी यस या योर दिल्ली कॉल एक मिनट होल्ड करना हेलो जेके है हां हां मैं जेके बोल रहा हूं गुड मॉर्निंग जेके साहब सक्सेना है क्या हुआ वो चीज का स्पेशल स्टील हां हां स्टील वो माल मंगाने की इजाजत नहीं मिलती जी हाँ इजाजत नहीं मिलती वो बैंड आइटम है कोई बैंड आइटम नहीं हर चीज दिखती है खरीदने वाला चाहिए कीमत पूछो कीमत जितने दाम लगते हैं लगा दो काम होना ही चाहिए जी बहुत अच्छा मैं कोशिश करता हूँ कोशिश नहीं काम जरूर होना चाहिए मैंने किसी से वादा कर लिया है सबरवाल जी आपका काम हो जाएगा रीटा दुनिया में हर चीज मिलती है हर आदमी दिखता है सिर्फ खरीदने वाला चाहिए जेके हम तो तुम्हारे हाथों बेगम है पीके क्या बिक रहा है क्या खरीदा जा रहा है भाई आ मुनीश हेलो जेके हाँ जीचा हाँ ये रहे वो नक्शे जो तुमने मंगवाए थे नक्शे तो समझे देखो ये तो बताओ आजकल रहते कहाँ जब देखो गायब कहीं इश्क तो नहीं कर लिया तुमने कर तो लिया है हमसे बगैर पूछे मेरी जान ये तो इश्क है तेरी इजाजत के बगैर तो पत्ता भी नहीं मिल सकता तो हमें दिखाओ कौन है जरूर दिखाएंगे और हमें भी तुम्हें भी दिखा देंगे कब जब तुम लोग गुड फॉर योर गर्लफ्रेंड थैंक यू चीयर्स डार्लिंग चीयर्स मनीष अच्छा मनीष कल शाम तक के लिए रुक ओके बाय 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 मुनीश मैं कल शाम को तुमसे नहीं मिल सकूंगी क्यों कल तो मैं जा रही हूँ ये देखो पापा का तार आया है फौरन बुलाया है मुझे अच्छा तुम नीचे तो आ जरा अच्छा मैं आती हूँ तुम ठहरो हाँ
वापिस कब आओगी? पता नहीं, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करूंगी। चिट्ठी लिखोगी ना? क्या लिखूं? कुछ भी लिख दे। कुछ भी? याद आया, लिखूंगी। बन पर बराबर काम हो रहा है कि नहीं, मजदूर ठीक ठीक काम करते हैं कि नहीं करते, और हाँ, किसी मजदूर से मारपीट तो नहीं हुई, और कोई लड़की झगड़ा करने तो नहीं आई। I'll miss you. I'll miss you too, Manish. I love you, Manish. मत हाथ लगा मुझे, बुजदिल कहीं के। भैया से डरता हूँ, भैया से डरता हूँ, भैया न हुए शेर हो। तो क्या कहूँ, भैया से नहीं डरता? हाँ कहो, भैया से बिल्कुल नहीं डरता। अगर ये बात है तो मुनीश भैया से क्यों डरती हो? मैं बिल्कुल नहीं डरती, वो जिस दिन पूछेंगे मैं झट से कह दूंगी मैं कुकी से शादी करूंगी। ये बात है तो तुम ही मुनीश भैया से कह दो ना, हम दोनों की शादी करते। आहा, तुम मर्द होकर जेके भैया से नहीं कह सकते, मैं कह दूं, शर्म नहीं आती? रेनु मैं पूछना, कुछ कहने सुनने की जरूरत क्या? देखो घर के लोग तो हमारे बारे में जानते हैं ना, जब ठीक समझेंगे शादी कर देंगे। तुम भी कमाल करते हो बेटा, पहले बड़ों की शादी होती है या छोटों की? अभी तू है, मुनीश है, पहले तुम दोनों की शादी हो जाए, फिर मैं रेनू और कुकी की बात करूंगी। माँ जी आप तो समझती नहीं, जब ये छोटे थे तो और बात थी, अब ये दोनों बड़े हो गए, लोग खामखा बातें बनाएंगे, जब शादी करनी होगी कर देंगे, लेकिन अभी इनकी मंगनी तो कर दें। बिल्कुल ठीक है, मैं अभी उन दोनों को इसी बात पर झगड़ा करते सुनकर आया। माँ मेरे ख्याल में तो अब उन दोनों की सगाई कर ही देनी चाहिए। तुम्हारी भी यही राय है ना मुनीश? हाँ जी। देखा माँ ये हुई बात, मुनीश आज ये दोनों घर और गरीब आ गए। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा, दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा, दिल करता ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा, दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा, दिल करता हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा, दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा, दिल करता जलती मशाले लेके मिलनी की रातों में, मिलनी की रातों में। होए, होए। आगे आगे हम चले यारों की बरातों में, यारों की बरातों में। होए, होए। फंसे कोई भोली भाली अपनी भी बातों में, अपनी भी बातों में। होए, होए। किसी की कलाई आए अपने भी हाथों में, अपने भी हाथों में। हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा, दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा, दिल करता ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा, दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा, दिल करता। हम सजी आला कोई मिले ना हजारों में, मिले ना हजारों में। होए, होए। मरे चाहे जिए रहे अगली कतारों में, अगली कतारों में। होए, होए। झलके हमारा लव कल की बहारों में, कल की बहारों में। होए, होए। अशकों का तोहफा होके बट जाए यारों में, बट जाए यारों में। हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा, दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा, दिल करता ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा, दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा, दिल करता ओ यारा
हम बंद किए आँख तस्वर में पड़े हूँ, ऐसे में कोई छम से जो आ जाए तो क्या हो। क्या सोच रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो ठीक है, तुम अपनी कहो। आज इस गरीब पे इतना प्यार कैसे हो रहा है? आज कुछ अच्छे लग रहे हो। क्या जवाब दूँ? जवाब को मारक गोली। रात कहाँ थे? क्यों? जेके जाने से पहले तुमसे मिलना चाहते थे, ये कागजात देने। जेके बाहर गए? कहाँ? शिमले। खन्ना साहब, चाय पीने का मजा जो आपके साथ आता है वो किसी और के साथ नहीं आता। ये बात किसी लड़की से कहते तो ठीक था, मैं इस लाइफ का। ये बताओ शिमले कैसे आना हुआ? आप तो फौरन काम की बात पे आ जाते हैं। आना इसलिए हुआ कि वो हाईवे बन भी गया और इस्तेमाल भी होने लगा, लेकिन हमारा 3.5 लाख का बिल अभी तक पड़ा है। बिल अभी तक अदा नहीं हुआ? अगर अदा हो जाता तो मैं आपका वक्त खराब करने यहाँ क्यों आता? नहीं, अच्छा किया तुम आए भाई, सरकारी काम में वक्त तो लग ही जाता है, मैं दिल्ली जाते करा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया खन्ना साहब। साहब जीप आ गई। ठीक है, हम आते। खन्ना साहब, आप कहीं जा रहे हैं? भाई वो कुफरी में स्कीइंग फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ जा रहा हूँ। चलते हो? मैं तो खुद उसमें हिस्सा ले रहा हूँ। आओ फिर। चलिए। स्कीइंग का मजा आया? स्कीइंग का तो पूरा मजा आया खन्ना साहब, लेकिन आज मैं टकराते टकराते बच गया। किससे? हाय पापा। पापा, आज तो बहुत ही मजा आया, मैं तो कई जगह गिरते गिरते बच गई। अच्छा? हाँ? अरे तुम एक दूसरे को नहीं जानते? जी नहीं। मेरी बेटी मीना तुम्हारे डैम पे तो सोशल वर्क करती है। हेलो। हेलो। लोग ऐसे ही कहते हैं कि दुनिया छोटी है, हमारे डैम पे काम करती है और हमसे ही मुलाकात। कमाल है, एक सोशल वर्कर जेके जैसे बड़े आदमी को नहीं पहचानती। बड़ा बड़ा कुछ नहीं मीना जी, मैं तो खन्ना साहब का खादिम। मेरे मुनीश, ये खत मैं तुम्हें शिमला से लिख रही हूँ। कुछ दिनों के लिए पापा के साथ यहाँ आ गई हूँ। मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ, जाने तुम भी मुझे याद करते हो या नहीं। जब सूरज डूबने लगता है और उसकी सुनहरी गुलाबी किरणें चारों तरफ फैल जाती है, मेरी निगाहें तुम्हें ढूंढती रहती है। फिर सुबह आती है और जमीन पर दूर दूर तक बर्फ ऐसे फैल जाती है जैसे किसी ने एक सफेद कालीन बिछा दिया हो। मुनीश, काश तुम मेरे साथ होते और मैं तुम्हारे साथ हाथों में हाथ लिए इन्हीं राहों में चल पड़ती। अरे, तुमने अपने गर्म हाथ मेरी कमर में डाल दिए और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सांसों की गर्मी तुम्हारे हाथों में आ गई। इन बर्फीली बहारों में हर चीज से खेलने को जी चाहता है। बच्चों की तरह बर्फ की गेंदें बनाकर एक दूसरे पर फेंकना कितना भला लगता है। ये उड़ते हुए बादल न जाने कहां से उठ के आते हैं और हम दोनों को चूम कर चले जाते हैं। और जब चांद की चांदनी बर्फ की गोद में खेलती है, न जाने क्या सोच के मैं तुम्हारी बाहों में सिमट जाती हूँ। और वक्त ठहर जाता है, दिल ठहर जाता है, हर चीज ठहर जाती है और मैं अपनी मंजिल को चूम लेती हूँ और तुम मुझे प्यार से अपनी बाहों में ले लेते हो। मगर सपने फिर सपने ही हैं, सपने टूट जाते हैं और मैं फिर अकेली रह जाती हूँ। मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ मुनीश, क्या तुम भी मुझे याद करते हो? तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी मीना। हेलो, यस स्पीकिंग। हेलो मुनीश, मैं जेके बोल रहा हूँ, शिमले से। सुन रहे हो? हाँ।
हाँ हाँ सुन रहा हूँ। यार एक बड़ा अजीब वाकया हुआ, जिंदगी में पहली बार एक लड़की पसंद आई। क्या क्या पसंद आया? अरे लड़की लड़की, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। मुनीश सबसे पहले तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, फौरन चले आओ। यार तुमने अपनी लड़की नहीं दिखाई, आओ हम दिखाते हैं। आ रहे हो ना? हाँ हाँ आ रहा हूँ। ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मुनीश, आई एम वेटिंग टू सी यू, बाय। Here I come, Meena. मुनीश, ये बहुत अच्छा किया तुम आ गए। अरे मेरा यार बुलाए और मैं ना हूं। लेकिन ये तो बताओ, लड़की खूबसूरत भी है या लड़की? यूं समझ लो मेरे ख्वाबों की शहजादी है। सच? बहुत खूबसूरत है। मुनीश तुम देखोगे ना, चक्कर खा जाओगे। ये है वो लड़की, कहो कैसी लगी? यार चुप क्यों हो गए, बताओ तो। ऐसी लड़की देखकर कौन चुप नहीं हो जाएगा। नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं, तेरी जुल्फें जिसके शानों पर परेशान हो गई। छे छने बंधन के कहां जा रहे हो? चलता हूं। अरे कहां? वापस। अरे सुवर, आज सुबह ही तो आया, जाने कितनी जल्दी क्या? जिस काम के लिए आया था वो तो हो गया, लड़की मैंने देखी। क्यों खां, शिमले में तो पांचों उंगली घी में थी आपकी। मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, होने वाली दुल्हन भी वही थी। खूब अंगीठी के पास बैठ के बातें होती होंगी। अमा खां हमें भी तो बताओ मामला कहां तक पहुंचा। उठ के चल दी, मालूम होता फसाद हो गया आपस में, मगर गए कहां? मुनीश, क्या हाल है मुनीश? तुम वापस आ गए? वहां अकेला क्या पहाड़ों पत्थरों से बात नहीं करता? खन्ना साहब भी वापस आ गए और वो दिलाराम भी। दिलाराम कौन? क्या हो गया तुम्हें? वही लड़की जिसे तुम्हें दिखाने के लिए शिमले बुलाया था, मीना, खन्ना साहब की लड़की। मीना? मजे की बात तो यह है मुनीश कि वो यहीं रहती थी और हमने उसे कभी देखा नहीं। सुनो, कल रात कुछ लोगों को मैंने खाने पर बुलाया है, भूल मत जाना। मेहमानों की देखभाल तुम करोगे, मीना भी आएगी, तुम्हारा तारुफ करा दूंगा। मेरी तारीफ में कुछ जमीन आसमान की बातें कर देना, कुछ ऐसा रंग जमा देना कि वो मुझ पर आशिक हो जाए। अबे तू सो रहा है? नहीं सुन रहा हूं, सुन रहा हूं। भूल मत जाना, पार्टी कल शाम को है, याद रहेगा ना? याद रहेगा। कुछ मेरे बारे में सोच रहे हो? हाँ, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। आहिस्ता बोलो, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने सुन लिया तो खफा हो जाएगी। मुनीश तुम तो वादा करके रह गए, दिखा नहीं। किसे? तुम कह रहे थे ना तुम्हें कहीं इश्क हो गया है। इश्क? अजी दिखा तो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कौन? आइए खन्ना साहब, आइए, तशरीफ लाइए, आइए मेरे साथ आइए। कैसी हैं? ठीक हो? मुनीश, ये है मुनीश, मेरा जिगरी दोस्त, कमाल का इंजीनियर है। ओ, और ये है मिस खन्ना, मिस मीना खन्ना। हेलो मुनीश, ये हमारे खास मेहमान हैं, मैं इन्हें तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ, खातिर में कोई कमी ना रह जाए। हमारा आज तक किसी ने बाकायदा तारुफ नहीं कराया था, चलो आज वो कमी भी पूरी होगी।
बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा सुनो, यही आपके वो दोस्त हैं जिससे मिलवाना चाहते थे? ओ, इनसे तो मैं मिल चुकी हूँ शिमला में। तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं। मेरी? हाँ मीना, तुम्हें बहुत पसंद हो। अच्छा, क्यों? इत्तेफाक। जिंदगी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। कभी गैरों पे भी अपनों का गुमा होता है, कभी अपने भी नजर आते हैं बेगाने से, कभी ख्वाबों में चमकते हैं मुरादों के महल, कभी महलों में उभर आते हैं वीराने से। हाय हाय हाय, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। चाहते बढ़ के पशे मान भी हो जाती है। अच्छा? दिल के दामन से लिपटती हुई रंगीन नजरें देखते देखते अनजान भी हो जाती है, देखते देखते अनजान भी हो जाती है। याद जब अजनबी बने, याद जब बेरुखी बने, दिल पे सहज मिला नजर, सबसे हंसकर मिला नजर, मेरे हमदम मेरे मेहरबान दोस्ती थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। हेलो जेके साहब। हेलो, क्या मैं आपको लिफ्ट देने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? आप किस तरफ जा रहे हैं? आप किस तरफ जा रही हैं? हुक्म कीजिए, गाड़ी उसी तरफ मुड़ जाएगी। थैंक यू। माय प्लेजर। आप इतनी बड़ी सोशल वर्कर हैं, लेकिन हमारा एक काम नहीं कर। क्या काम है?
वो भी एक तरह का सोशल वर्क है, पुण्य का काम। लेकिन काम क्या है? काम यह है कि एक खाता पीता 6 फुट का हसीन नौजवान अभी तक कुंवारा रह गया है, उसका दिल आबाद करना है। कौन है वो? आपका कादिर। ये लीजिए, आपको लड़कियों की क्या कमी है, बस एक इशारा करेंगे चारों तरफ से लड़कियां भागती चली आएंगी। लेकिन अभी तक तो कोई नहीं मिली। शायद आपने इशारा ही नहीं किया होगा। मेरे हुजूर, अगर इशारा कर देने से काम बन सकता है तो लीजिए, मैं आपकी तरफ इशारा कर देता हूँ। अच्छा ये तो बताइए, आपको किस तरह की लड़की चाहिए? इस तरह की। इस तरह की? और अगर ऐसी लड़की ना मिली तो? तो जिंदगी भर हम उसके नाम पर कुंवारे रह जाएंगे। अच्छा जी, बस यही रोक दीजिए। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं तो, मुझे यही उतरना है। बाय बाय, सी यू सी यू। हाय डैडी। हाय मीना। गोल्फ खेलने जा रहे हैं क्या? हाँ बेटे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटे। हाय मम्मी। दोस्त, अभी अभी मैंने एक बात का फैसला किया है। किस बात का फैसला? शादी हम दोनों एक साथ करेंगे। शादी? हाँ, एक ही दिन। तुमने लड़की का जिक्र किया था, अब उसे भी दिखा डाल। कौन सी लड़की? तुमने कहा था ना कहीं इश्क कर लिया है, वो तो दिल लगेगी। तो फिर तुम भी एक ऐसी लड़की ढूंढ लो जैसी मीना है। चे, ऐसी लड़की तो किस्मत वालों को ही मिलती। इसका मतलब है तुम्हें मीना बहुत अच्छी लगी। दाद देते हो हमारी पसंद की? तुम्हारी पसंद तो लाजवाब है। तो पैगाम भिजवा दूं? हाँ जरूर भिजवा दो। मगर लेकर कौन जाएगा? माँ जी से कहता हूँ, नेक काम उन्हीं के हाथों होने चाहिए। हाँ जय। चलो तुम दोनों में किसी ने तो पहल की, मैं तो इसी दिन की आस में बूढ़ी हो गई थी। आज सुनी भगवान ने मेरी। माँ मैं तो इस मुनीश के बच्चे से भी कहता हूँ, जल्दी से तू भी कोई लड़की ढूंढ ले, दोनों एक साथ शादी करेंगे। तू बड़ा है, पहले तेरी हो जाए फिर इसकी भी हो जाएगी। मगर माँ सोचो तो कितना मजा आता, शानदार बैंड बाजा, सजे हुए घोड़े, जगमगाती हुई रोशनी, आतिशबाजी, फुलझड़ियां, पटाखे। माँ दोनों भाइयों की बारात एक साथ निकलती तो लोगों की आंखें चुंधिया जाती। अरे ये भी बहुत अच्छा है, इस तरह एक दफा शहनाई बजती अब दो दफा बजेगी। क्यों मनीष? माँ एक दफा तो शहनाई बजने दो, दूसरी दफा नहीं बजेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बुरी बात मुझसे मत निकाला कर। इसे डंडे से मारो माँ, लाओ डंडा। अच्छा अच्छा जाने दो जाने दो, लाओ मैं खन्ना सर क्या होती हूँ। माँ, जेके का पैगाम लेकर खाली हाथ जाओगी? क्या लाए हो? ये लेती जाओ। अरे ये तो बहुत कीमती मालूम होता है। लाख रुपए का है माँ। सच? पता तो लगे किसका रिश्ता है। अच्छा। आपने तो कुछ भी नहीं खाया, लीजिए वो तो मीठा कीजिए। मैंने कहा, अजी कहाँ हो, जरा इधर तो आइए। मुझे आवाज दे रही हो? हाँ, जरा इधर आइए ना। क्या बात है? नमस्ते जी। नमस्ते जी। ये मुनीश की माता जी हैं। वही नौजवान इंजीनियर जो हमारे डैम पे काम करता है। हाँ। ये मीना का रिश्ता लेकर आई है। हाँ। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मीना और मुनीश एक दूसरे को जानते हैं क्या? नहीं, ये मुनीश के लिए नहीं कह रही। ये? मैं जयकिशन का रिश्ता लेकर आई हूँ, जिसे आप जेके कहते हैं, वो भी मेरे बेटे की त्रेई है। क्यों, आपके मन में कुछ संकोच है उसके लिए? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। जेके साहब तो देखे भाले आदमी हैं, दिन रात का वास्ता है उनसे। मगर ये बात जरा मीना के कान से निकाल दो। मीना क्या हमारे कहने से बाहर जाएगी? ठीक है, जो बेहतर समझो। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते जी। अच्छा बहन, तो बात पक्की हो गई। मैं एक छोटी सी भेंट लाई थी, मीना के हाथ में पहना देना जी। अच्छा मैं चलती हूँ। नमस्ते जी, अब बैठिए ना। कोई बात नहीं। तुम मीना हो? जी हाँ, मैं मुनीश की माँ हूँ। जीती रहो जीती रहो। हाय मम्मी। कितना खूबसूरत ब्रेसलेट है, पसंद आया? बहुत खूबसूरत है।
कितना सजता है तुम्हारे हाथ पर। लेकिन है किसका? तुम्हारा? मेरा? तुम्हारे लिए आया है। लेकिन कहाँ से आया है? तुम्हारी ससुराल से। ससुराल से? मुनीश की माता की आज लाई थी, वो कह रही थी कि अरे अरे सुनो तो मीना, ओ मीना सुनो तो। मालूम है आज क्या हुआ? तुम्हारी माता जी आई थी, हमारे घर आई थी। जानते हो क्यों? मम्मी डैडी से बात करने के लिए, हमारे रिश्ते के बारे में। मम्मी डैडी ने फौरन मंजूर कर लिया। ओ मुनीश, तुम्हारी माता जी कितनी अच्छी है। लेकिन मुनीश, ये इतना कीमती ब्रेसलेट भेजने की क्या जरूरत थी? हमारे लिए तो तुम्हारा प्यार ही बहुत था। अरे तुम इतने चुप चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? क्या तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं? ये रिश्ता मेरे लिए नहीं था। तो फिर किसके लिए? ये जेके के लिए। क्या? हाँ, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। ये तुम क्या कह रहे हो मुनीश, वो तो तुम्हारा दोस्त है। हाँ मीना, पर वो तुमसे शादी करना चाहता है। शादी नहीं, ये कहो कि वो मुझे खरीदना चाहता है। हाय रीटा, देखो इनमें से तुम्हें कौन सा कार्ड पसंद है। ये हमारे मंगनी के कार्ड। कहाँ मंगनी हो रही है आप? चिराग तले अंधेरा, सारी दुनिया को मालूम है और तुम्हें नहीं मालूम। खन्ना साथ की लड़की मीना से। वही तो मैं कह रही हूँ, चराग तले अंधेरा, जिसे हम चाहते हैं उसे दूसरों की तलाश है, जिसे आप चाहते हैं वो किसी और की बात। रीजा, तुम अपनी जबान को लगाम नहीं दे सकते। सरकार, आप कहें तो जबान काट कर फेंक दे, मगर हकीकत ये है, आपकी मीना आपके दोस्त मुनीश की बाहों। तुम बकती हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुनीश मेरा दोस्त है। आपके ख्वाब आप ही को मुबारक हो। आपका ये तोहफा बहुत कीमती है, इसे अपने पास ही रखिए। शिया क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ। शायद आज तक आपको ऐसी लड़कियां मिली हैं जिनकी आंखें कीमती जेवर और शानदार मकानों को देखकर चिंधिया जाती है, और शायद इसीलिए पार्टी में अपनी शान दिखाने के लिए आपने मुझे बुलाया था। आप खफा मालूम होती हैं, शायद मुझसे कोई भूल हो गई। जरूर हो गई। आप इस दुनिया को एक बाजार समझते हैं जहाँ हर चीज बिकती है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जेके साहब कि इस दुनिया में हर चीज नहीं बिकती। तुम इतने कमीने हो, मुझे thank you.
ये सब हुआ कैसे? साहब काम चालू था, दीवार एकदम बैठ गई। माल कब आया था? कोई 8 दिन हुए। माल में मिलावट है, बंद कर दो काम। काम बंद कर दो नंदू। काम क्यों बंद है? दीवार टूट गई साहब, 3-4 आदमी दब गए थे। वो आदमी कहाँ है? उनको अस्पताल भेज दिया साहब। कोई मरा तो नहीं? मरा तो नहीं साहब, पर चोट बहुत आई है। सिर्फ 4 आदमी को चोट आई है, बाकी तो ठीक है। काम शुरू करो। काम शुरू नहीं हो सकता साहब। क्यों? इंजीनियर साहब ने मना कर रखा है। इंजीनियर साहब कौन होते मना करने वाले? यहाँ हमारा हुक्म चलता है, हम मालिक हैं। चाहे तुम मालिक जरूर हो, लेकिन मैं तुम्हें काम शुरू करने की राय नहीं दूंगा। क्यों? माल खराब मालूम होता है, पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। उसका मतलब है कि हमें कोई समझ नहीं। आज पहली बार काम किया है, अच्छे बुरे माल के जिम्मेदार हम हैं। मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, जो पूछेगा हमसे पूछेगा। मैं यहाँ इंजीनियर। आप हमारे इंजीनियर हैं, हमने आपको रखा है। जो माल देते जाए वो लगाते जाइए। इस तरह मुझसे काम नहीं होगा। नहीं होगा तो घर जाइए, इंजीनियर्स की कोई कमी नहीं, आपकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। काम शुरू कर दो। ए, काम चालू कर दो। जीके, तुम्हारे मुनीश से क्यों झगड़ा हुआ? क्या बात है? वो कमीना मुझे ईमानदारी सिखाता है। काम रोक दिया, कहता है माल खराब है, जांच होगी। वो सरकारी ऑफिसर नहीं, मेरा आदमी है, तनख्वाह मैं देता हूँ। हजारों रुपया खर्च करके विलायत उसके बाप ने नहीं भेजा था, मैंने भेजा था। क्या इसी दिन के लिए? नहीं नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुनीश तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त है और ईमानदार आदमी। ईमानदारी और दोस्ती का कोई साथ नहीं। कल मैं अगर किसी का खून करूं, क्या तुम अदालत में जाके मेरे खिलाफ गवाही दोगी? नहीं, इसलिए कि तुम मेरी दोस्त हो। दोस्त का काम है दोस्ती निभाना, रीठा, दोस्त की बुराई पे पर्दा डालना। सच तो कोई भी बोल सकता है। मगर माल क्या वाकई खराब था? हो सकता है। मैंने कब दावा किया है कि मैं सत्य का पुजारी हूँ, महात्मा बुद्ध हूँ? सच का प्रचार नहीं करता, मैं धंधा चलाता हूँ, व्यापार करता हूँ। लेकिन असली वजह ये नहीं, असली वजह कुछ और है। असली वजह क्या है? असली वजह मीना है। मीना? हाँ मीना। उसकी ये हिम्मत, जिस लड़की को मैं पसंद करूँ वही लड़की उसे भी चाहिए। अपनी औकात से बढ़ के बात करता है, मेरे एहसानों को भूल गया। देखता हूँ वो लड़की कैसे ले जा सकता है। मर के 10 बार पैदा हो जाए तो कामयाब नहीं हो सकता। 10 बार क्या, 1000 बार पैदा हो जाऊं तो भी तुम्हारे एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। कमीने, तू मेरे एहसानों का बदला क्या देगा? मैंने तुझे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया और तू मेरी जड़ काटता है। जय, बेईमान, दोस्ती का नाम बदनाम करता है, अपनी माँ के हाथ पैगा मेरा भेजता है और इश्क खुद लड़ाता है। जय, जय मेरी बात सुनो। बात सुन चुका है, आज तक यही तो करता आया हूँ। नीच, दूर हो जा मेरे नजरों के सामने से, वरना मैं गोली सुना दूंगा। चाहे तुम गुस्से में हो, जो तुम्हारा जी चाहे कह दो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझता रहूंगा। आज के बाद कभी तुम्हें इस लड़की के साथ ना देखूं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। ये तो मेरी मंगेतर है। मंगेतर मंगेतर कुछ नहीं, मैं आपसे ये मंगी तोड़ रहा हूँ, समझे? रीनू, रीनू, ये रीनू, क्या हुआ बेटे? तू रो रही है? बोल क्या हुआ? कुकी से झगड़ा हुआ? अरे क्या हुआ माँ, क्यों रो रही है रेनू? कुछ बताती नहीं, कुछ रो रही है। रेनू भैया, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें?
जय भैया ने मुझे घर से निकाल दिया, कुकी से मिलने को मना कर दिया और कहते हमने तुम्हारी मम्मी तोड़ दी। रो नहीं रेनू, जय के हम पर बहुत एहसान है। जय, जय मेरी बात तो सुन, हट जाओ, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जय, मैं अपने लिए नहीं आया, कुकी और रेनू के लिए आया हूं, उन्हें लग कर के नीचे जिंदगी बर्बाद ना कर। इतना किसी दूसरे के लिए करता जिंदगी भर पांव धोके पीता। तुम ना शुक्र एहसान फरामोश हो, ऐसे नीच घर में मैं अपने भाई की शादी नहीं करूंगा। काश हम दोस्त रह सकते। अब तक तूने मेरी दोस्ती देखी है, अब दुश्मनी देखना। जाने इस हंसते खेलते घर को किसकी नजर लग गई। क्या बात है खान? मुनीश साहब है अंदर। क्या बात है? जेके साहब ने कहलवाया है कि मकान खाली कर दीजिए, नया इंजीनियर आने वाला है। जेके साहब से कहो हुक्म की तामील हो जाएगी। थैंक यू। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जेके इतना बदल जाएगा। माँ, आदमी नहीं बदलता, वक्त बदलता है। जिंदगी के रंग हैं, देखते जाओ। मैंने कहा था ना कि आप जैसे काबिल इंजीनियर हमारे यहाँ नौकरी करना चाहते हैं, ये जानकर खुद भल्ला साहब बहुत खुश होंगे। थैंक यू मिस्टर पुरी। तो मैं समझूं नौकरी मिल गई? ओह यस, बिल्कुल। प्लीज कम इन। मैंने भल्ला साहब से बात कर ली है,
बस यूं समझ लीजिए कि आपका काम हो गया है। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। मैं उन्हें इतला कर दूं। हेलो भल्ला साहब, मैं पुरी बोल रहा हूं। मिस्टर मुनीश जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी वो आ गए हैं, आपके पास भेज दूं? हमें उनकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, मैंने कहा था, उस वक्त मेरा इरादा था, अब नहीं है। आई एम सो सॉरी, समझ में नहीं आता उन्होंने इरादा क्यों बदल लिया। It's all right. I thank you, Mr. Bhalla. You are welcome. मुनीश, कितनी कोशिश की फिर भी कोई कामयाबी नहीं हुई, कहीं इसके पीछे जेके का हाथ तो नहीं? हो सकता है मीना। मुनीश, गवर्नमेंट को तो हमेशा अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत होती है, तुम वहां कोशिश क्यों नहीं करते? हो सकता है जेके की पहुंच वहां तक ना हो। मीना, तुम जेके को नहीं जानती। हाँ, आप भी किस दुविधा में पड़ गए, नौकरी हजार है लेकिन तरकीब इस्तेमाल गलत हो रही है। तरकीब आप बता दीजिए। आपकी अर्जी बगैर वजन के जा रही है, टेबल पे से उड़ जाती है। 100 के नोट का वजन ऊपर रख दीजिए, मजा ले अर्जी हिल जा, 2 मिनट में काम होता। तुम्हारा मतलब है रिश्वत दें? बीबी जी, मैंने अंग्रेजों का जमाना देखा है, ऊपर से नीचे तक एक ही सिक्का चला करता था। आप लोग जिसे रिश्वत कहते हैं दस्तूरी कहा करते थे, और अब तो दस्तूरी की ऐसी आदत पड़ गई है लोगों को, ना तो खाना पेट में जाता है ना हजम होता है। वो किसी का शेर है ना कि लेके रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा। मियां गुलाम रसूल, अगर आज के आजाद हिंदुस्तान में नौकरी ऐसे मिलती है तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी। फिर तो उधर आप चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी, बिस्किट भी साथ में है। लो बीबी जी बनाओ। जेके, क्या ये तुम कभी नहीं सोचते कि मेरे पास नौकर चाकर हो, कोठी हो, बंगला हो, बच्चे हो? रीता, ये आज क्या कह रही हो? कमजोर घरेलू औरतों की तरफ बात करती हो। तुम तो आजाद मोहब्बत की खायल थी। थी तो फिर आज ये नई बात क्या हो गई? आज मेरा हाजमा खराब है, सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। तुम्हारा सहारा मिला तो मैंने ख्वाब देखनी शुरू कर दी। ये भूल गई कि ख्वाब सिर्फ ख्वाब होते हैं। तुम जो कहा करती हो, इंसान को चाहिए आजाद मोहब्बत, हंसी खुशी, खेल तफरी, रंगीनियां। रीचा, तुम पर तो वही बात सचती है। तो तुम ठीक कहते हो जेके, इन सब खुशियों का एक साथ मिलना सिर्फ इत्तेफाक है। सर, आपकी दिल्ली कॉल मिल गई। हेलो हेलो सक्सेना साहब, मैं जेके, नमस्ते, कैसे हैं आप? मैंने कहा इधर का दौरा कब हो रहा है? जब आप हुक्म करेंगे आ जाएंगे। फरमाइए, कोई काम है? काम तो बहुत छोटा सा है, मुनीश को जानते हैं ना? हाँ हाँ, वही जिनको आपने विलायत भेजा था। हाँ हाँ, वही, हमने उनकी छुट्टी कर दी है, अब आपके पास नौकरी करने आ रहे हैं। जी हाँ, मुझे मालूम है, कल उनका इंटरव्यू है हमारे पास। बहुत गर्म आ रहे हैं, ठंडे ठंडे वापस भेज देना। घबराइए मत, उनका पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा, आखिर आपके दोस्त जो ठहरे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मिस्टर मुनीश, यस सर, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। यूरोप से वापस आने के बाद कहीं काम किया है आपने? जी हाँ, एक जगह किया, शायद जेके कंस्ट्रक्शन कंपनी में। शायद क्यों, वही किया है। वहां क्या थे आप? इंजीनियर। वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, उसे क्यों छोड़ दिया आपने? मैंने नहीं छोड़ा, मुझे वहां से अलग कर दिया गया। क्यों? उन्हें मेरा काम करने का तरीका पसंद। किसी और जगह आपके काम के तरीके को पसंद किया जाएगा, ये कैसे मालूम आपको? नहीं पसंद किया जाएगा तो वहां से भी अलग कर दिया जाऊंगा। कोई और तजुर्बा है आपका? किसी दूसरी जगह काम नहीं किया तो तजुर्बा क्या हो? लेकिन आपके काम का तरीका है क्या? मत पूछ, बताता हूँ तो लोग खफा हो जाते हैं। लेकिन मिस्टर मुनीश, मेरी डिग्री और क्वालिफिकेशन आपके सामने है, ठीक लगती हूँ तो रख लीजिए, जैसे और बहुत सी जगह से वापस आ गए यहाँ से भी चला जाऊँगा। ये बड़ा बदतमीज आदमी है। मुमकिन है इसी वजह से पहली जगह से निकाला गया हो। इतनी डिग्रियां होने पर भी अगर इसे अब तक काम नहीं मिला तो जरूर इसमें कोई खोट है। और वो आदमी जो मिनिस्टर चमनलाल की चिट्ठी लेकर आया था, उसका क्या होगा? इसके पास तो किसी की भी सिफारिश नहीं। यही तो इस आदमी की सबसे बड़ी खूबी है, बड़ी नौकरी अक्सर सिफारिश और रिश्तेदारियों के बिना पर मिलती है। ये अकेला उम्मीदवार है जिसके पास ना कोई सिफारिश, ना कोई हवाला, और डिग्रियां भी सबसे ज्यादा है। हमें साबित कर देना चाहिए
कि बड़ी नौकरियां सिर्फ काबिलियत पर मिल सकती है, बिना किसी सिफारिश के। बिना सिफारिश मिले नौकरी, बिन रिश्वत हो काम, अरे इसी को अनहोनी कहते हैं, इसी का कल जुग नाम, वतन का क्या होगा अंजाम, बचा ले ऐ मौला ऐ राम, वतन का क्या होगा अंजाम, बचा ले ऐ मौला ऐ राम, बचा ले ऐ मौला ऐ राम, बचा ले ऐ मौला ऐ राम, वतन का क्या होगा अंजाम, बचा ले ऐ मौला ऐ राम। रिश्वत पर चलते थे चक्कर, छोटे हो या मोटे, बंद हुई ये रस्म तो धंधे हो जाएंगे खोटे रे, धंधे हो जाएंगे खोटे, घर घर में मातम होगा, दफ्तर दफ्तर कोहराम, बचा ले ऐ मौला ऐ राम, वतन का क्या होगा अंजाम, बचा ले ऐ मौला ऐ राम। यही चला कर ढंग तो यारो, होंगे बुरे नतीजे, भूखे मरेंगे नेताओं के बेटे और भतीजे, मरेंगे बेटे और भतीजे, जितनी इज्जत बनी थी अब तक सब होगी नीलाम, बचा ले ऐ मौला ऐ राम, वतन का क्या होगा अंजाम, बचा ले ऐ मौला ऐ राम। रिश्वत से मुंह बंद के सबके अब फूटेंगे भांडे, अरे पता चलेगा किसके किससे मिले हुए थे डांडे, कौन सा ठेका लेकर किसने कितना माल बनाया, कितनी उजरत दी लोगों को कितना दिल दिखलाया, कौन सी फाइल किस दफ्तर से कैसे होंगे चोरी, किसने कितनी गद्दारी की कितनी भरी तिजोरी, किस मिल मालिक के पैसे ने कितने वोट कमाए, हर कुर्सी मिली तो देश भगत ने कितने नोट कमाए, रिश्वत से ही छुपे हुए थे सब काले करतूत, नंगे होकर सामने आएंगे अब सभी सपूत, दुनिया भर के मुल्कों में होगा भारत बदनाम, बचा ले ऐ मौला ऐ राम, वतन का क्या होगा अंजाम, बचा ले ऐ मौला ऐ राम, बचा ले ऐ मौला ऐ राम, बचा ले ऐ मौला ऐ राम, वतन का क्या होगा अंजाम, बचा ले ऐ मौला ऐ राम। बॉयज, आज इस एकेडमी में आपका आखिरी दिन है, आपकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और अब आपको इम्तिहान के लिए तैयार होना है, उसके लिए आपको क्या करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो दूर उस पहाड़ी के पीछे आपका टारगेट है, उस टारगेट पे आपको इस तरह से हमला करना है जैसे मैदान जंग में दुश्मन पे किया जाता है, उस पे जो पहले हमला करके उड़ा देगा सोर्ड ऑफ ऑनर उसी को दी जाएगी। वेल गेट अलॉन्ग बॉयज एंड बेस्ट ऑफ लक। रशु बोल यार, इस बार सोड़ वाना कौन जीतेगा? और कौन जीतेगा, बंदा ही जीतेगा बंदा। वैसे तो बेस्ट ऑफ लक यार, मगर सोड़ वाना है अपनी। ओके, सी यू माय बॉय। Champagne clear for takeoff.
वंडरफुल एरोबेटिक्स। रशीद बड़ा होशियार लड़का है। तो मेरा ख्याल है इस बार सोड ऑफ ऑनर रशीद को ही मिलेगी। यू राइट सर। शैंपेन क्लियर फॉर लैंडिंग। वेम्पर ऑन फायर, प्रोसीड। कुकी, मैं कहा करता था ना, चल के हमारा लहू कल की बहारों में अशकों का तोहफा होके बढ़ जाए कारों में। ऐसा मत कहो रशु, ऐसा मत कहो। कुकी, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे बेवफा मत समझना। तुम स्वॉर्ड ऑफ ऑनर चाहते थे ना? नहीं, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर तुम्हें मुबारक। कुकी, रशु, रशु। मरे चाहे जिए रहे अग्नि कतार में, अग्नि कतार में झलके। दोस्तों और साथियों, इस सौड़वाना का सही हकदार अब्दुल रशीद था। वो मुझसे बेहतर इंसान भी था और बेहतर सिपाही भी। मैं उसके नाम पर इस सौड़वाना कबूल करता हूँ और अपने जाने वाले साथी को आखिरी सलाम पेश करता हूँ। भाई जेके, ये पार्टी किस खुशी में दी गई है बताओ तो। खान साहब, वो आपका बखुदार है ना? हाँ जानता हूँ, तुम्हारा छोटा भाई। उसे सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा फौजी इनाम मिला है, द सोड ऑफ ऑनर। यानी कि छोटा भाई तुमसे भी ज्यादा होशियार निकला। ये सब आप ही की दुआओं का नतीजा है खान साहब। क्यों बुढ़ापे में ईमान खराब करती हो? अरे भाई जरा कुकी को तो बुलाओ तो शाबाश दे। हाँ क्यों नहीं, बॉय कुकी साहब को बुलाओ। खान साहब, अब तो ईमान खराब हो ही गया, सोच के ना भीजिए ना। एक्सक्यूज मी, मैं जरा चेके साहब माफी चाहता हूँ। कहिए गुप्ता जी। गजब हो गया जेके साहब, उस टारमैक के बारे में तहकीकात शुरू हो गई है। कौन सा टारमैक? वही टारमैक जहां वो मिलिट्री का जहाज जल गया था, जिसमें वो अब्दुल रशीद मारा गया। दरअसल जेके साहब, वो टारमैक हमारा ही बनाया हुआ था। ये मालूम करो तहकीकाती कमेटी में कौन कौन है। वो तो मैं मालूम कर लूंगा, मगर डिपार्टमेंट में जो हमारी फाइलें पड़ी हैं उनका क्या होगा? फाइलों का मामला भी मैं ठीक कर लेता हूँ, तुम बेफिक्र रहो। अच्छी बात। यही फाइलें हैं क्या वहाँ? हाँ साहब। लेनी अलमारी में और फाइलें होंगी, तुम देखो जाकर। और नहीं है, मैंने सब देख लिया साहब। दास ने आपको बुलाया है। ये सर, मिस्टर मुनीश, मैंने आपके सुपुर्द एक काम किया था। जहाँ उस हवाई अड्डे की तहकीकात के बारे में, जहाँ अब्दुल रशीद का एक्सीडेंट हुआ था। क्या हुआ उसका? सर, उस केस की फाइल नहीं मिल रही है। फाइल नहीं मिल रही? हाँ, बाकी सब फाइलें वहाँ मौजूद है, बस इसी केस की फाइल वहाँ नहीं। अजीब बात है, आखिर फाइल जा कहाँ सकती है?
ये है वो फाइल, इसी के लिए आप परेशान थे ना। मान गए आपको जेके साहब। सबूत रहेगा न तहकीकात होगी। देखिए फिर चैन, इस पुल का टूट जाना इत्तेफाकी बात है या इसके पीछे किसी आदमी का हाथ है, इसे जानने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना। मुझ पर भरोसा रखिए खन्ना साहब। भरोसा है इसीलिए तुम्हें भेज रहा। जस्टिस देसाई इस कमीशन के इंचार्ज हैं और तुम उनके साथ काम करोगे। राइट सर। मिस्टर सबरवाल को अंदर भेजो। जी सर। साहब देसाई साहब नमस्ते। नमस्ते। हुजूर ने याद फरमाया, मैं हाजिर हो गया। तशरीफ रखिए। बेहतर, बस खिदमत बतलाइए। मिस्टर सबरवाल, शायद आपको मालूम होगा मैं यहाँ निर्मल दरिया के पुल की तहकीकात के लिए आया। हुजूर मैं जानता हूँ, मैंने आपका नाम बहुत सुना है। आप आए हैं ये सुनकर मैं खुद ही हाजिरी देने वाला था, लेकिन आपने खुद ही याद फरमा लिया। हुजूर वो पुल मैंने ही बनवाया था। मुझे मालूम है। फिर तो आपको ये भी मालूम होगा कि ईमानदार लोगों के लिए काम करना कितना मुश्किल है। चारों तरफ बेईमानी का ऐसा दौर दौरा है कि कुछ कह नहीं सकता। हुजूर जो भी अफसर आता है आंख बंद कर लेता है और हाथ फैला देता है। ताली एक हाथ से नहीं बचती मिस्टर सबरवाल, अफसर भी ईमानदार हों और ठेकेदार। ये बात आपने बिल्कुल सही की। आप जैसे दो चार अफसर और पैदा हो जाएं तो कल्याण हो जाए इस देश का। हुजूर ईमानदार आदमी के लिए तो हम जान तक हाजिर कर सकते हैं, बस आप हुक्म कर दीजिए। इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। फरमाइए। मिस्टर सबरवाल, ये सुंदरबन क्या जगह है? सुंदरबन? सुना है वहाँ बहुत माल जमा है। अच्छा अच्छा, आप उसका जिक्र कर रहे हैं। हुजूर वो तो एक जंक यार्ड है, कुछ टूटा फूटा सामान पड़ा वहाँ। तो मैं वो जगह देखना चाहता हूँ। शौक से, आप जिस वक्त भी कहें मैं हाजिर हो जाऊंगा। हुजूर मैं आपको खुद लेके चलूंगा वहाँ। देसाई ने सुंदरबन का नाम लिया है, जरूर उसे कोई खबर मिली होगी। लेकिन जेके साहब, खबर देने वाला है कौन? इसका पता तो लगाया जा सकता है। इस वक्त जरूरी यह है कि वो यहां नहीं आए। आप यकीन रखिए देसाई यहां नहीं आएगा। हेलो, देसाई स्पीकिंग। हेलो देसाई साहब जी, नमस्ते। मैं मुनीश मेहरा बोल रहा हूँ। हेलो यंग मैन। हाँ हाँ, मुझे खन्ना साहब की चिट्ठी मिली थी। आप ऐसा कीजिए, शाम को 8 बजे के करीब मेरे पास चले आइए, साथ खाना खाएंगे। आज शाम को 8 बजे? जी हाँ, मैं ठीक 8 बजे पहुँच जाऊँगा। मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है, मैं आपका इंतजार करूँगा। अच्छा। अरे गिर रहा समझे यार, जरूर किसी आदमी ने धक्का दे दिया। अरे यार छोड़, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई घर में आके धक्का दे देगा? कमाल की बात करता है यार। अरे मुझे तो लगता है इसमें जरूर किसी का हाथ। जस्टिस देसाई मर गए। और जस्टिस देसाई कैसे मर गए? सुना अपने मकान की छत पर से फिसल गए। हाँ।
पापा अखबार में ठीक ही लिखा है, देसाई साहब की मौत में जरूर किसी का हाथ है, और आपने ऐसे बदमाशों के बीच मुनीश को भेज दिया है। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, मुनीश एक बहादुर आदमी है। मियाँ माफ कीजिए, अब बहादुर तो यही रह गए। आपका इशारा अपनी तरफ है। आपने बिल्कुल ठीक समझा, अगर आप मुझे वहाँ भेज देना तो बदमाशों को भेड़ बकरियों की तरह पकड़ के ले आऊँ। आपके मशवरे पे गौर करूंगा, मगर ये तो बताइए कि इस वक्त कैसे तकलीफ की जी? वो माजी ने मुनीश साहब की खैरियत पूछवाई है। गुलाम रसूल, माजी से कहना कि वो बिल्कुल फिक्र ना करें, मुनीश साहब बिल्कुल अच्छे हैं। अच्छी बात। देखिए मिस्टर मुनीश, ये पुल का मॉडल ये 1954 में बना था, और ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पुल के अंदर कोई खराबी नहीं थी। ये देखिए, ये पानी का डेंजर लेवल है। जब पुल टूटा पानी यहां था, डेंजर लेवल से बहुत नीचे। इन तमाम बातों को देखते हुए पुल को टूटना नहीं चाहिए था। तो फिर ये पुल कैसे टूट गया? भगवान की मर्जी। अच्छा खासा हंसता खेलता आदमी मर जाता है। आप मिस्टर देसाई को देखिए ना, अच्छे खासे थे और मर गए। हो सकता है मिस्टर देसाई की मौत और पुल टूटने में कोई ताल्लुक। मिस्टर वसीदा जी, क्या नाम उस कंपनी का जिसने ये पुल बनाया था? सबरवाल एंड कंपनी। थैंक यू। साहब, लंका में सभी 52 गज की हैं, यहाँ आपको कोई कुछ नहीं बताएगा। आप कौन हैं? मैं यहाँ हेड क्लर्क हूँ। ये तमाशे देखते मेरी उम्र गुजर गई, मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। ठहरो बुड्ढे। मिस्टर मुनीश है? मेरा ही नाम मुनीश है। ओह, मुझे आपसे कुछ काम है। आइए अंदर आइए ना। जस्टिस देसाई की लड़की। देसाई साहब की बेटी हैं? जी। आपके पिताजी की मौत का बहुत दुख हुआ, पर समझ में नहीं आता उन्होंने अचानक खुदकुशी क्यों की। उन्होंने खुदकुशी नहीं की। तो फिर? उन्हें किसी ने छत से नीचे फेंक दिया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप सब लोग तो घर में मौजूद थे ना? नहीं, हम लोग बाहर गए हुए थे। एक साहब ने हमें चाय पे बुलाया था। किसने बुलाया था चाय पर? मिस्टर सबरवाल ने। वही जिन्होंने पुल बनवाया था ना? जी हाँ, पिताजी नहीं गए, कहने लगे मैंने किसी को वक्त दिया है। वो जरूर मेरी वजह से रुक गए होंगे। शायद उन्होंने ये डायरी निकाली थी। आपसे टेलीफोन पे बातचीत करने के बाद वो बहुत देर तक इस डायरी को देखते रहे। पता नहीं इसमें क्या लिखा है, मैं इसलिए लाई हूँ, शायद आपके कुछ काम आ सके। अच्छा, तुम्हें चलते हैं। जी बहुत अच्छा, डायरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। हेलो मुनीश साहब, मैं हूँ सबरवाल। आप मुझे नहीं जानते, अलबत्ता मैं आपको जानता हूँ। जनाब, जिस पुल की तहकीकात के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं वह आपके खादिम ने बनवाया था। हेलो सबरवाल साहब, कहिए क्या हुक्म है? हुक्म तो आप देंगे जनाब, मेरी तो एक अर्ज। फरमाइए। जनाब, मैंने कुछ दोस्तों को खाने पे बुलवाया है, अब बेतकल्लुफ सी महफिल है, आप भी तशरीफ ले आए तो इज्जत अफजाई होगी। देखिए मैं आज। देखिए हुजूर, कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, आप तैयार रहिए, गाड़ी आ रही है। जी हाँ। सबरवाल साहब, आपका रंग भी देखा जाए। Thank you.
कम इन। यस, सबरवाल साहब ने गाड़ी भेजी है। तुम यहाँ? इत्तेफाक? इत्तेफाक कुछ ज्यादा ही हो गया। ये भी इत्तेफाक है। अंदर तो आप। अरे वाह, मजा आ गया। तबीयत खुश हो गई। आप आ गए मुनीश साहब, हम आपके गुलाम हो गए। खास साहब को सवाल कहते हैं। आइए, आपको अपने दोस्तों से मिलवाऊं। आइए ना दोस्तों। देखो भाई, हमारे घर में गवर्नमेंट आई है। आप है हमारे नए अफसर, हमारे मालिक मिस्टर मुनीश है। मुनीश साहब, रिचा मुनीश साहब के लिए कुछ बिस्किट के इंतजाम करो ना। माफ कीजिए, मैं शराब नहीं। ओ खुश कितना, शराब तो पहले नहीं पीता, बस ये तो गिलास आपका साथ देने के लिए उठा लिया था। रिचा कुछ कोको कोला, कुछ शरबत कुछ लाओ ना भाई। मुनीश साहब, दरअसल बात ये है कि इस पार्टी में सिर्फ दो ही शरीफ आदमी है, एक आप और एक मैं। अरे मैं भी फिर क्या हूँ। आइए 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 आइए। शंकर गया, बोलो बात तो लो, कोको कोला पियो भाई, कोको कोला। पता नहीं लोग शराब जैसी कड़वी चीज पीते ही क्यों। बात तो अभी आपकी हमारी हुई नहीं। देखिए, खाना वाना खा लिया, जरा मुंह तो मीठा करना चाहिए। थोड़ी सी मिठाई लाया हूं आपके लिए। मिठाई? हाँ हुजूर, इसे मिठाई ही समझिए। थोड़े से हैं, सिर्फ 1 लाख। सबरवाल साहब, इतनी जल्दी भी क्या है, काम हो जाने दीजिए, इससे भी ज्यादा ले लूंगा। ओ खुश किता बादशाह, आप तो यारों के यार हैं, बस हम तो गुलाम हो गए। मुनीश साहब आपके गुलाम हो गए बस। अच्छा सब बात साहब, इजाज़त चलिए। बस जल्दी मुनीश साहब, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ गया बस। लेकिन सुनिए, इसको आखिरी मुलाकात ना समझिए, ये तकलीफ तो हम आपको बार बार देते ही रहेंगे। शंकर अभी तक नहीं आया। इतनी जल्दी ना करो, रात का दिल टूटेगा। आप जाएंगे तो जज्बात का दिल टूटेगा। जल्दी ना करो, रात का दिल टूटेगा। आप जाएंगे तो जज्बात का दिल टूटेगा। इतनी जल्दी ना करो, रात का दिल टूटेगा।
टूटेगा, आप जाएंगे तो जज्बात का दिल टूटेगा। इतनी जल्दी ना करो, आहा ओहो जवानी क्या, सुबह तक न चले तो कहानी क्या। जुल्फ जो हमने बनाई थी वो बिखरी भी नहीं, रंग पे आके ये महफिल भी निखरी भी नहीं। जुल्फ जो हमने बनाई थी वो बिखरी बिगड़ने दीजिए, चाहने वालों के अरमान निकलने दीजिए। कम से कम प्यार का इल्जाम तो लेते जाए, आज की रात का बात का दिल टूटेगा, इतनी जल्दी ना करो। आह ओ ला 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 ला, आहा दिल टूटेगा। वाह मुनीश साहब, मजा आ गया, तबीयत खुश होगी। जस्टिस बी एन देसाई, एक मार्च देशमुख से मिला, 4 मार्च बहुत सा रिकॉर्ड गायब है, 7 मार्च स्टॉक रिपोर्ट उलट पुलट है, 17 मई आज मैंने सबरवाल को बुलाया था, बड़ा चालाक और होशियार आदमी मालूम होता है। ये बाकी समय कहाँ है, जो काम के समय से किसी ने फाड़ डाले, हराम खोरो कौन है वो? सबरवाल का कहना है सुंदरबन जंक यार्ड है, वहाँ कुछ टूटा फूटा सामान पड़ा है, मगर मेरा ख्याल है सुंदरबन उन लोगों का अड्डा है, यहाँ चोरी का माल जमा किया जाता है, इसी के बल पर यहाँ काला बाजार चल रहा है। ये किन लोगों की मिल्कियत है और जंक यार्ड की असलियत क्या है, ये मालूम हो जाए तो मुकदमा बिल्कुल साफ हो जाए। मुनीश आ रहा है, मैं इसके साथ वहां जाऊंगा। Thank you.
पहलवान जी, नमस्ते। माल उतरवा लो और नोट कर लो, अंगूठा लगाने का टाइम आए तो हमें आवाज दे देना। चल भाई 12-40 हजार। चलो भाई माल जल्दी उतारो। चलो तुम जाओ। अले आ बोतल का तो हेलो ताजी फड़ा। ओ आज भी दाढ़ी तो खत्म हो गई, याद हो तो घूंट मार लिए। यहाँ कहीं पानी वानी भी मिलेगा या नहीं? अरे तेरे बाप ने कोई कुएं खुदवा के रखे हो यहाँ? जब तक पानी ढूंढेगा तो घूंट मार ले, तब तक हजम भी हो जाएगी। ले लो उस्ताद जी, ये क्या चक्कर चला है? वो डिसाई मर गया, पुल की भी इंक्वायरी चली है, अपनी तो हवा बंद है। माल जिनकी जेब में गया वो मजे में, अब अगर किसी दिन पुलिस ने हम पर हाथ रख दिया तो हम मारे गए। अबे चुप उल्लू के पट्टे, अंदर अभी गई नहीं और बकवास शुरू कर दी। जब तक हम इधर बैठे हैं, किसी की हिम्मत है जो आंख उठाकर देखे? पहलवान जी मान गए तुसी खुदा हो। कबे चल गए साले, दारू बंद करो और चलो आओ। चलो भाई जल्दी अंगूठा लगाओ। चलो चलो जल्दी मुंशी जी, जल्दी लो जी। चलो 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 आ भाई, आओ आओ जल्दी आओ। चल भाई तेरा क्या जाने का इरादा नहीं है? जी 400 मील गाड़ी खींच के लाया हूँ, जरा पेट्रोल तो अंदर होने दो। चलो चलो अपने अपने ट्रक जल्दी निकालो। ओके बोला जी। यस सर। कल जो माल आया था उसके निशान मिट गए? जी हाँ। देखो आज जो माल आया है उसके निशान कल सुबह तक मिट जाने चाहिए। बहुत अच्छा साहब।
क्या हुआ? कौन था वो? सब रिकॉर्ड ले गया, तस्वीरें भी ले ली। हराम खोरो आदमी आया और चला गया। तुम वहां सोते रहते हो क्या? ये भी मालूम नहीं कौन आदमी था। चौकीदार, चौकीदार। हाँ सर। मेरे लिए चाय। अच्छा। हेलो, ट्रंक बुकिंग प्लीज, माय नंबर 46, यस कॉल टू दिल्ली, दिल्ली नंबर 33419, अर्जेंट प्लीज, थैंक यू। अशरफ। यस बॉस। इसका ख्याल रखना, एक मिनट भी आंख से ओझल ना होने पाए। ओके बॉस। खन्ना साहब, मैंने केस पूरा कर लिया है, सबूत मेरे पास है, कुछ तस्वीरें भी ली है मैंने, और कल यहाँ से रवाना होगा मैं। नहीं नहीं मुनीश, अकेले मत आना, वो तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के लिए बहुत कीमती हैं। मैं सिक्योरिटी का एक आदमी भेज रहा हूँ, शेर सिंह नाम है उसका, वो कल तक पहुँच जाएगा, उसके साथ आना, अकेले आना सेफ नहीं। थैंक यू सर। पापा, आप शेर सिंह को जो मुनीश के पास भेज रहे हैं, क्या वो किसी खतरे में है? नहीं बेटी, मैं तो सिर्फ एहतियात के तौर पे भेज रहा हूँ। फिर भी न जाने क्यों मुझे डर सा लग रहा है। फिक्र की कोई बात नहीं, सो जाओ चैन से। गुड नाइट। शेर सिंह सर, तुम मुनीश साहब के पास जा रहे हो, उनके साथ वापस आना, वो कुछ जरूरी कागजात ला रहे हैं, उनका ख्याल रखना, समझ गए? यस सर। आपने मुझे याद किया? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? कुंदन लाल। नहीं, तुम्हारा नाम शेर सिंह है, तुम्हें खन्ना साहब ने दिल्ली से भेजा है मिस्टर मुनीश की मदद के लिए, समझ गए? समझ गया। कम इन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप? जी, मेरा नाम शेर सिंह है, मुझे खन्ना साहब ने दिल्ली से आपकी मदद के लिए भेजा है। थैंक यू, मुझे आप ही का इंतजार था। आप तैयार? आई एम रेडी। चलिए। एक्सक्यूज मी, ये मुझे दे दीजिए। जी।
मुझे मुनीश साहब से मिलना है। तो गए? गए कहाँ? दिल्ली। कब? 8 बजे की गाड़ी से। आग लगाने के लिए तो एक ही बहुत है। इसे अपने पास ही रखिए। तैयार है? जी हाँ, रहना ही पड़ता। हैंड्स अप। आप होशियार नहीं थे मिस्टर शेरसिंह। माफ कीजिएगा, भरोसे में मारा गया। आपको किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आइंदा ऐसी होती नहीं होगा। खाना यहाँ खाइएगा कि डाइनिंग कार में? डाइनिंग कार में ठीक है। अच्छा, तो फिर मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। ठीक है, तब तक मैं भी तैयार हो जाता हूँ। मनीष को तुम पर शक तो नहीं हुआ? कोई चांस नहीं। ये लो। आपका लाइटर लाजवाब। थैंक्स। आपकी अंगूठी तो हमें भी आंख दिखा दी। देखते जाइए आगे क्या क्या दिखाते हैं। अच्छा, मैं चलूं। यहाँ भी? बुरा मान जाओ कि है फिर इत्तेफाक। अच्छा, आओ बैठो। अब किस मार पे? तुम्हारी। अरे हम तो पहले ही मर चुके हैं, और क्या मारोगे।
अच्छा तुम जा कहाँ रही हो? जहाँ तुम जा रहे हो। मनीष, मैंने सबरवाल को छोड़ दिया है, इस सिलसिले में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये साहब तुम्हारे साथ है? अरे हाँ, ये मेरे दोस्त हैं शेर सिंह। आप लोग बातें कीजिए, मैं दूसरे टेबल पे चला जाता हूं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठिए ना। मनीष, ऐसा क्यों नहीं करते, तुम मेरे कंपार्टमेंट में आ जाओ, कॉफी साथ पियेंगे। पहले तुम कुछ खा तो लो। नहीं नहीं, मैं तो कॉफी ऑर्डर करने आई हूं। बाय। जी मैम सर। देखो हमारे कंपार्टमेंट में तो कॉफी लाओ, स्पेशल और चीज सैंडविच, अच्छे भरे भरे हो, मोटे मोटे। ओके, सी यू, बाय बाय। ये कौन लड़की? रीटा, मेरी दोस्त, इंग्लैंड से आते वक्त जहाज में मुलाकात हुई थी। मुझे ये लड़की ठीक नहीं मालूम। कामेर, जरा ये बांध दो। ओके, थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं, कॉफी के साथ सिगरेट का बड़ा मजा आता है। इसमें तो एक भी तीली नहीं। हमारे कत्ल के सब सामान तैयार है। हमारे हाथ से नसीब वाले ही मरते हैं। इसमें तो कोई रिपोर्ट नहीं, ये हमसे चालाकी कर रहा था। ऐसा करो, सूटकेस में देखो। चाबी, चाबी इसके पतलून की जेब में।
तुम नहीं जा सकते। तुम इन बदमाशों से मिली हुई हो, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। तुमने मुझे किस लिए बचाया, बताओ इसमें क्या चाल है? चाल नहीं, इत्तेफाक। भागती हो तुम? तुम सब बरवाल जैसे बदमाश के यहाँ काम करती हो, ये इत्तेफाक है। मौत बनकर गाड़ी में मेरा पीछा कर रही हो, ये इत्तेफाक है। कॉफी में नशा मिलाकर मुझे बेहोश करने की कोशिश की, ये इत्तेफाक है। अगर ये सब इत्तेफाक था तो ये इत्तेफाक अब नहीं होने दूंगा। मैं उन चोरों को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दूंगा जो तुम्हारे साथ है, और तुम उनके खिलाफ गवाही दो। ऐसा मत करना मनीष, तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, ऐसा मत करना। मैं जानता हूँ औरत का सबसे बड़ा हथियार उसके आंसू है, लेकिन इन आंसुओं का मुझ में कोई असर नहीं होगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ मनीष, ऐसा मत करना। आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं चाहा, मगर आज मांगती हूँ। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, उसकी कीमत समझ लो। ये तरीकेकार यही खत्म कर दो, इसे आगे मत बढ़ाओ। तुम चाहती हो मैं इन हरामजादों को छोड़ दूं जो इस देश को नापाक कर रहे हैं, इसकी मिट्टी में जहर बोल रहे हैं? रीता अभी भी वक्त है, जिल्लत के साथ अदालत में इकरार करने से बेहतर है मुझे बता दो। बता दो, हिम्मत है सुनने की, हवास कायम रख सकोगी? तुम समझती हो मैं जानता नहीं? मैं एक एक बात जानता हूँ, मगर मेरे पास सबूत नहीं। अब है सबूत? सबूत तुम हो, मगर अभी तुम कुछ नहीं बताओगी। जब कानून का फंदा तुम्हारे गले में पड़ेगा, तुम्हारी सांस रुकने लगेगी, तब तुम्हारा मुंह खुलेगा। सच क्या है, एक एक हर्फ तुम्हारी जबान उखड़ देगी, और वो सच सुनकर तुम्हारी सांस बंद हो जाएगी। वो दोस्ती जिसका तुम दम भरते रहे, उसका भरम टूट जाएगा। मैं चाहती थी तुम एहसान फरामोश और ना शुक्र ना कहला हो, यार मार ना बनो, दोस्त दोस्त के हाथ बर्बाद ना हो। असलियत जानने के बाद तुम्हें अपने आप से नफरत ना हो जाए, इसलिए नाम नहीं बताना चाहती थी, लेकिन तुमने मजबूर किया है तो सुनो, उसका नाम है जेके। तुम लोग सब निकम्मे हो, एक छोटा सा काम नहीं कर सके, एक रिपोर्ट नहीं ला सके। जेके साहब, मैं कह तो रहा हूं, रीटा बीच में आ गई, अगर वो न होती तो इस वक्त रिपोर्ट आपके हाथ में होती। रीटा रीटा रीटा, जानते हो अब क्या होगा? हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मैं मुनीश को अच्छी तरह जानता हूं, वो रिपोर्ट जरूर पड़ेगा। जेके साहब, वो रिपोर्ट नहीं पड़ेगा, उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। ये लो कुंदन, इस वायलेंट केस में बंदूक है, देख लो। तुम पिछले दरवाजे से अंदर जाओ, वहां लिफ्ट के पास तुम्हें मिस्टर राणा मिलेंगे, वो तुम्हें अपने साथ प्रोजेक्शन रूम तक ले जाएंगे, और उसके बाद मुझे सब मालूम है बॉस। गुड। जैसे ही गोली चले और कमेटी रूम में खलबल मच जाए, तुम रिपोर्ट लेके फॉर्म चले आना। रीटा, रीटा, तुम कहाँ जा रही हो? मीना, मुझे मत
मुनीश की जान खतरे में। क्यों? ऊपर कुंदन गया है। कौन कुंदन? जेके का आदमी है, जाने क्या करते। जेंटलमैन, पिछले दिनों जो निर्मल दरिया का पुल टूट गया था उसकी तहकीकात के लिए हमने मिस्टर मुनीश को भेजा। मिस्टर मुनीश ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है जिसे वो आज आपके सामने पेश करेंगे। मिस्टर मुनीश, हुक्म के मुताबिक मैं मौके वारदात पर पहुंचा। बहुत से लोगों से मिला जिनमें सरकारी और गैर सरकारी सब तरह के लोग थे। बहुत से लोगों के बयान लिए, कुछ पुराने कागजात और रिकॉर्ड भी देखे। इस तमाम भाग दौड़ और मेहनत के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। मिस्टर मुनीश, आप किस नतीजे पर पहुंचे? मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि निर्मल दरिया के पुल का टूट जाना महज एक इत्तेफाकी बात थी और भगवान की मर्जी के सिवाय इसे कुछ नहीं कहा जा सकता। यही वो रिपोर्ट है जो आप सुनाने वाले थे। हमें रिपोर्ट चाहिए। रिपोर्ट? दिस इज नो रिपोर्ट, दिस इज नॉनसेंस। यही वो रिपोर्ट है जो आप पेश कर रहे थे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो कुंदन, कुंदन दरवाजा खोलो। साइलेंस, ब्रेक साइलेंस। मिस्टर मुनीश, इस बारे में आपको बस इतना ही कहना है? मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। मगर आपने तो मुझे टेलीफोन पर बताया था कि आपने तहकीकात मुकम्मल कर ली है, तमाम शहादतें और सबूत आपके पास हैं, बल्कि आपने कुछ तस्वीरों का भी जिक्र किया। मिस्टर मुनीश, वारदात की जगह से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो गया आपको? इसे खरीद लिया गया है, इसने अपना इनाम बेच दिया, अपना जमीन बेच दिया। ये गद्दार और देशद्रोही है, इसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए और खुली अदालत में मुकदमा चलाना चाहिए। मिस्टर चेयरमैन, ही मस्ट बी सस्पेंडेड। आप ठीक कहते हैं मिस्टर मुनीश, आपने मेरे विश्वास को धक्का पहुंचाया है। आपको नौकरी से अलग किया जाता है और खुली अदालत में आप पर मुकदमा चलाया जाएगा। फरमाइए, कैसे तकलीफ की? मुबारकबाद देने आई हूं। किस बात की? आपके दोस्त की बर्बादी की। कौन दोस्त? वही जिसने रिपोर्ट पढ़ने से इनकार कर दिया। जानते हैं क्यों? क्यों? इसलिए कि वो आपका दोस्त है। मुनीश को मालूम हो गया है कि इस चोरी और बेईमानी के पीछे आप हैं और वो नहीं चाहते कि दोस्त दोस्त के हाथ से मारा जाए। ये दोस्ती उस दिन कहां चली गई थी जब उसने मेरे एहसानों का बदला कमीनेपन से दिया था, जब उसने मेरे कारोबार को बदनाम करना चाहा, जब वो मेरे मोहब्बत के रास्ते में रुकावट बन गया था। रुकावट वो नहीं, आप बन रहे थे। मुनीश और मैं एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, मोहब्बत करते थे, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे आपसे मिलवा सके, आपकी निगाह करम मुझ ना चीज पर पड़ गई। ये झूठ है, ये सच है। मुनीश को विलायत भेजकर आप समझते हैं आपने उसे जिंदगी भर के लिए खरीद लिया है, उसे भी उसके खानदान को भी। आपको अपनी जिद और गरज के सामने और कुछ नहीं दिखाई देता। मिस मीना, जेके साहब, आप ना अच्छे इंसान हैं और ना अच्छे दोस्त। एक आप हैं जिसने हमेशा उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की, उनकी जान के दुश्मन बन गए, और एक मुनीश है जो हमेशा आपको बचाता रहा और आज भी दोस्ती के लिए अपना धर्म, अपना फर्ज, बल्कि अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार है। मिस्टर खन्ना, मिस्टर मुनीश पर मुकदमा आपके डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है, आपके इसके बारे में कुछ कहना है?
मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, इस आदमी को बेईमानी और बददियानती के जुर्म में आपकी अदालत में पेश किया गया है। एक काबिल और जिम्मेदार अफसर समझकर हुकूमत ने इसे निर्मल दरिया के पुल की तहकीकात के लिए भेजा था और वहां पहुंचने के कुछ दिन बाद इसने मुझे टेलीफोन किया कि तहकीकात मुकम्मल हो गई है, रिपोर्ट तैयार कर ली है और पता चल गया है कि इस हादसे के पीछे कौन लोग हैं। मैंने हिदायत की कि अकेले वापस मत आना, ये रिपोर्ट हुकूमत के लिए बहुत कीमती है, इसलिए एक सिक्योरिटी ऑफिसर भेज रहा हूं और ये उस ऑफिसर का इंतजार किए बगैर चला आया। और जब रिपोर्ट मांगी तो इसने साफ इनकार कर दिया कि इसके पास कोई रिपोर्ट नहीं। योर ऑनर, टेलीफोन पर बात करने के बाद मालूम नहीं इससे क्या हो गया। मैं समझता हूं इस आदमी को खरीद लिया गया और अपने किसी जाती फायदे के लिए इसने वो रिपोर्ट और सबूत जाया कर दिए। ये उन बदमाशों से मिल गया जो इस हादसे के पीछे, ये आदमी उन मुजरिमों से भी बुरा है जो देश में रिश्वतखोरी और बेईमानी फैलाते हैं। एक जिम्मेदार सरकारी अफसर होते हुए इसने ऐसा किया, इसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि दूसरे लोग देखें और सबक सीखें। मिस्टर मुनीश, आप पर जो इल्जाम लगाया गया है वो आपने सुन लिया, अपनी सफाई में कुछ कहना है आपको? मिस्टर मुनीश, एक बार फिर सोच लीजिए, आपका ये जुर्म मुल्क के साथ गद्दारी करने के बराबर समझा जा सकता है, इसकी सजा मौत भी हो सकती है। मिस्टर मुनीश, मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूं, आपको कुछ कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे कहना है। आप कौन है? मैं वो आदमी हूं जो इस मामले को सुलझाने में काफी मदद कर सकता है। जाइए। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, मुनीश का यह कहना निर्मल दरिया के पुल का टूट जाना इत्तेफाक था, झूठ बात है। जिस आदमी के गुनाहों पर यह पर्दा डालना चाहता है और जिसका नाम यह अदालत को बताना नहीं चाहता, उसे मैं जानता हूं। यह आदमी पेशावर चोर है और काला बाजार चलाता है। यही वो आदमी है जिसने निर्मल दरिया का पुल बनवाया था। मैं यह भी जानता हूं योर ऑनर कि मुनीश ना तो इसके हाथों बिका है ना रिश्वत दी है, फिर भी ये इसका नाम अदालत के सामने क्यों नहीं बताना चाहता, क्यों खामोश रहा? मिस्टर मुनीश, आप क्यों खामोश रहे? योर ऑनर, मैं इसलिए खामोश रहा कि तहकीकात के बाद अचानक एक ऐसा आदमी मेरे सामने आ गया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। उस आदमी के साथ मेरा जज्बाती रिश्ता था, वो मेरा दोस्त था। इसके साथ ही वो समाज का चोटी का आदमी था। उसे देखकर मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि बुराई इस इंतहा को पहुंच चुकी है। मामूली सजा इसका इलाज नहीं योर ऑनर, सजाएं तो रोज मिलती हैं, मुल्जिम पकड़े जाते हैं, अदालत में पेश होते हैं और सजा पाते हैं, मगर चोरी और बेईमानी बंद नहीं होती, रिश्वत की गमबाजारी कम नहीं होती। योर ऑनर, दफ्तरों से फाइलें गायब हो जाती हैं, झूठे टेंडर पास हो जाते हैं, बड़े बड़े कामों के ठेके और लाइसेंस मिल जाते हैं। ऐसा लगता है हमें अपने देश की मट्टी से प्यार नहीं रहा। देशभक्त जब गद्दी पे आता है तो भूखा नंगा होता है और जब गद्दी छोड़कर जाता है तो करोड़ों रुपए का मालिक होता है। योर ऑनर, ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि लोग किसी न किसी वजह से गुनाह पर पर्दा डाल देते हैं, जुर्म को पनाह देते हैं। आप अपनी तरफ देख लीजिए, आप इसलिए खामोश रहे कि आपका दोस्त आपके सामने आ गया। नहीं योर ऑनर, मैं इसलिए खामोश नहीं रहा कि मैं अपने दोस्त को बचाना चाहता था, मैं इसलिए खामोश रहा कि उसे ऐसी सख्त सजा दूं जिसे वो बर्दाश्त ना कर सके। मैं चाहता था अपने गुनाहों की शक्ल वो अपनी आंख से देख ले, उसे खुद एहसास हो उसने कितना भयानक गुनाह किया है। और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं था जब तक उसका जमीर बेदार ना हो, उसकी आत्मा जाग ना जाए। योर ऑनर, उसका एक ही तरीका मेरी समझ में आया कि मैं खामोश रहूं, अपने दोस्त का इल्जाम अपने सर ले लूं, मैं मर जाऊं, उसके लिए अपनी जान दे दूं। मुझे यकीन था मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। जिस दिन एक आदमी को अपनी बुराई का एहसास हो जाएगा, एक आदमी का जमीर जाग जाएगा, हो सकता है औरों का जमीर भी जाग जाए। जमीर वहां जागता है जहां जमीर हो। हमारा जमीर मर चुका है, आत्मा सो गई है। यह कुर्बानी नहीं खुदकशी है, आत्महत्या है। इस देश के लोगों को कुर्बानी की जरूरत नहीं, सजा की जरूरत है।
यह हमारा समाज नहीं, एक नीलाम घर है, बर्दा फरशों का शहर है, गुलामों का बाजार है। बोली लग रही है, ईमान बिक रहे हैं। किसका ईमान कितने में बिकता है मैं जानता हूं। योर ऑनर, चोरों के इस बाजार में मैं सबसे वाकिफ हूं। इनमें सबसे पहला नाम मेरा है। मैं ही वो आदमी हूं जिसने निर्मल दरिया का वो पुल बनवाया था जो टूट गया है। मैं ही वो आदमी हूं जिसने वो टर्माइक बनाया था जिस पर अब्दुल रशीद का जहाज चल गया था। मैं ही वो आदमी हूं जो चेतनगढ़ का वो बन बनवा रहा है जहां से मुनीश को निकाला गया था। और मैं अकेला नहीं, मेरे साथ इस लूट में बहुत से लोग शामिल हैं जिनके नाम मैं भी अदालत को बताऊंगा। मेरी दरख्वास्त है योर ऑनर कि इस धरती को हम सबसे पाक कर दिया जाए, कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि हम सबको एक साथ गोली मार दी जाए। खबरदार जो आगे बढ़ा, गिरफ्तार कर लो इन्हें। जय भैया, ये आपको क्या हो गया है? मीना भाभी, मैंने आप लोगों के साथ बहुत ज्यादती की। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जय, हो सके तो मुझे माफ कर दो। रीटा, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम कहा करती थी ना, जिंदगी इतफाक है या मौत भी इतफाक है। ठीक है बेटा। माँ, 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 ईश्वर, मरने से पहले मुझे तेरी वो चाहिए थी माँ। आज कितना खुशी का दिन है, आज हम सब फिर मिल गए। सुवर, जय, जय, मनीष, जिस बंध पर हमारी दोस्ती टूटी थी वो बंध टूटने ना पाए। मनीष, मैं एक दोस्त की तरह जिंदा तो नहीं रह सका, एक दोस्त की तरह मर तो सकता हूं। मत रो मनीष, मत रो। आज एक आदमी मरकर इंसान पैदा हो रहा है। जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, उठेगा तूफान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान।